सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परिवार भेजा भी है वैदिक परिवार भेजा भी है हाँ इसीलिए भेजा है कि टेक्स्ट तो सबके पास हो जाए। इनफैक्ट वो लेख नहीं भेजा अभी तो खाली सूक्त भेजा था मैं। तो जैसा हम अभी तक कर चुके हैं जितना पहला था इंट्रोडक्शन दूसरा वैदिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी वैदिक व्यू ऑफ सेल्फ वैदिक पर्सोना ऑफ विमेन इन द वेदास देन मैरिज अकॉर्डिंग टू वेदास और वंस एक तत्व होता है एक तत्व के दो भागों में उन्होंने विभाजित किया खुद को पुरुष और स्त्री फिर वो पति पत्नी बने और सृष्टि प्रारंभ होती है और सृष्टि के लिए वहाँ पर कोई लिव इन रिलेशन नहीं था कि पुरुष और स्त्री हुए और वो रहने शुरू हो गए क्योंकि एक परिवार की संकल्पना है। पहले परिवार शब्द देखिए कैसे बना है वार्यते होने से तो परिवार होगा ही फिर तो वारित हो जाए है? नहीं है वही धातु है लेकिन परितः वार्यंत वार्यते अनेन परितः वार्यते अनेन और अगर कुछ लोग वो अपना गूगल चला सकते हैं तो जरा देखिए अंग्रेजी शब्द क्या है फैमिली फादर एंड मदर आई लव यू ये तो वो हो गया ना उसका संक्षेपाक्षर लेकिन ये बना है फैमिलस शब्द से लैटिन से बना है। अंग्रेजी के तो ज़्यादातर जो शब्द हैं वो लैटिन से ही निकले हैं। अब आप उसका अर्थ देख लीजिए वहाँ पर क्या है फैमुलस का वो संकल्पना जो हमारे भारतीय चिंतन में मिलती है वहाँ उस तरह की कोई कल्पना नहीं है। आज अगर किसी बच्चे से पूछो व्हाट डज अ फैमिली मीन फॉर यू क्या है फैमिली कंसिस्ट ऑफ ये दो बच्चे बैठे बताएंगे हाँ इसीलिए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम सेम एंसेस्टर यू रिजेंबल योर मदर साइड ऑफ द फैमिली ये किसका फैमिली का अर्थ है फैमुलस का देखो फैमुलस का आप बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली कौन कौन होते हैं उसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दैट्स ऑल मगर इंडियन कॉन्सेप्ट में फैमिली वॉज अ वेरी वेरी बिग जॉइंट फैमिली। अगर अब हम देखेंगे वेदों में परिवार में कितने रिश्तों के भी नाम आए हैं ना जैसे माता आया पिता आया पितामह आया प्रपितामह आया तो इसका मतलब कम से कम चार पीढ़ियां तो साथ रहती ही थी एक ही परिवार में और हमने अपने जीवन में देखते देखते जॉइंट फैमिली से अब क्या हो गई है न्यूक्लियस फैमिली तो जॉइंट और वो दोनों हमने देखे हैं क्योंकि हम पले बड़े जॉइंट फैमिली में और बड़े होते होते हम लोग जॉइंट फैमिली कम सिंगल फैमिली मतलब रहे हम अलग लेकिन सारी जिम्मेदारियां सारी परंपराएं जॉइंट की निभाई और अभी जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही परिवार टूटते जा रहे हैं। तो ये जो परिवार के विघटन की बात है ये हमारे वैदिक चिंतन प्लीज नहीं ये फैमिलस का मीनिंग दे हाँ बताइए सेंस बन नहीं रही इसमें एन असिस्टेंट और सर्वेंट स्पेशली वन वर्किंग फॉर ए म्यूजिशियन और स्कॉलर हाँ तो यही मैं बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली यही कि वहाँ पर परिवार की जो संकल्पना हमारे यहाँ है परितो वार्यते अनेन सब ओर से बचा के रखा जाता है वो परिवार है। और हमारे गुरु जी थे आज तो नीता नहीं है क्योंकि हमारे एक ही गुरु जी थे वो तो अंग्रेजी और संस्कृत मिलाते रहते थे तो वो कहते थे परितः और उसको अंग्रेजी कर देते थे कि आज परिवार क्या हो गया है परितः वॉर उपाध्याय जी बोलते थे कि सब तरफ से वॉर ही वॉर हो रहा है वो परिवार है। परि माने होता है सब ओर से वार माने वार कर बचा कर रखने वाला सारे दोषों से बचा कर कौन रखता है
परिवार। देखिए जब जॉइंट फैमिली होती है तो बहुत सी बुराइयों से अपने आप ही, दादा का डर अलग होता है, पिता का अलग होता है, और दादा के भी पिता अगर घर में हैं तो उनका तो और ही ज्यादा रौब। एक सिंगल हेड ऑफ द फैमिली होता था, अब अधिकारों के नाम पर कोई हेड ऑफ द फैमिली है ही नहीं, किसी को किसी से कोई डर नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, जो भी है मैं जो करना चाहता हूँ, मैं मुझे मेरा। तो ये जो परिवार में एक वो थी, पीढ़ियों का एक दूसरे के प्रति संस्कार था, एक डर था, एक लिहाज था, वो सब खत्म हो गया। तो परितः वार्यन्ते दोषाः अनेन इति परिवारः, सारे दोषों से जो बचा कर रखता है वो परिवार है। और दोषों से कब बचा कर रखता है? जब परस्पर परिवार में स्नेह है, सद्भाव है, संस्कार है, वो सारी चीजें। और पाश्चात्य कल्पना फेमुलस शब्द का अर्थ ही है सर्वेंट, तो मतलब वो दास, स्वामी और स्व, ये जो भाव है मी एंड माई, ये भाव वहां पर परिवार फैमिली में निकलता है। तो अभी हमारे परिवार की जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बदल गई है। तो अब परिवार का एक झलक आपको मैंने एक सूक्त भेजा है, अथर्ववेद का है, और उसका नाम ही है सामनस्य, सामनस्य फैमिली कनकॉर्ड, सामनस्य सूक्त। सामनस्य ये कैसे बना है? सम उपसर्ग है, मनस शब्द है, और श्यय प्रत्यय है। ये धातु नहीं, सॉरी, सम उपसर्ग, मनस शब्द और श्यय प्रत्यय। साम मनस से, सम माने एक से हैं मन जिनके, तो सामनस्य किन में होता है? जिनके मन एक से है, यूनियन ऑफ हार्ट्स, दोज हु फील टुगेदर। हार्ट का काम क्या है? भावना, फील करना। और बुद्धि का क्या काम है? मन बुद्धि है और एक हृदय है, एक शब्द आता है सहृदय, सहृदयम सामनस्यम, और तीसरा एक है अविद्वेषम, अविद्वेषम, चौथा है संज्ञान, इन फिफ्थ है संवनन। दीज आर द फाइव पिलर्स ऑफ अ फैमिली, सहृदयम, सामनस्यम, अविद्वेषम, संज्ञानम एंड संवनन। सहृदयम, एक ही मंत्र जो मैं देती हूँ इसमें ही है, इसी सूक्त में है, 3:30:1 है वो, 3:30:1 पहला ही मंत्र है शायद, देखो यही है ना, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, यही है पहला, अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्न्या। तो ये प्रजापति कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं मनुष्यों से कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ? सहृदयता देता हूँ, सहृदयता हृदयेन सह, कि तुम्हारे हृदय मिले रहे, यूनियन ऑफ योर हार्ट्स, सामनस्यम यूनियन ऑफ योर माइंड्स, अविद्वेषम मे बी द हार्ट्स आर यूनाइटेड, द माइंड्स आर यूनाइटेड, बट स्टिल देयर कैन बी जेलसी बिटवीन टू पर्सन। तो तीसरा है अविद्वेषम, एब्सेंस ऑफ जेलसी, विद्वेश कहते हैं जेलसी, अविद्वेशम एब्सेंस ऑफ जेलसी, कृणोमि वह, आई बेस्टाव ऑन यू ऑल सहृदयता, यूनियन ऑफ योर हार्ट्स, यूनियन ऑफ योर माइंड्स, एंड द लॉस ऑफ एब्सेंस ऑफ जेलसी। शादी के अक्सर अवसर पर यह मंत्र पढ़ा भी जाता है, लेकिन ये केवल शादी का नहीं है, ये परिवार के लिए है। जैसा आपने देखा उसका उन्होंने ऊपर ही लिखा है फैमिली कनकॉर्ड, तो ये परिवार में ये होने चाहिए। तीन तो एक ही मंत्र में आ गए ये तीन, और नेक्स्ट एक और सूक्त आता है पूरा, उसका नाम ही संज्ञान सूक्त है। संज्ञान, संज्ञान इज म्यूचुअल हार्मनी, संज्ञान
संज्ञान और संवनन, संवनन इज अफेक्शन, इसमें वन धातु है, वन म्यूचुअल अफेक्शन, वन धातु माने वन इच्छायाम वांछायाम, संज्ञान में ज्ञा धातु है, ज्ञा माने जानना, एक होता है जानना और दूसरा है समज्ञान, सम का एक अर्थ होता है सम्यक और दूसरा अर्थ होता है मिलकर, तो मिलकर कलेबरेट करके जब हम कोई कलेबरेटिव एफर्ट म्यूचुअल हार्मनी, दैट इज व्हाट संज्ञानम इज। और मंत्र अभी हम देखेंगे इन पांचों शब्दों का प्रयोग हुआ है वेद में, परिवार के लिए पहला ही मंत्र जो दिया है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे से प्रेम करो, कैसे करो, वत्सम जातम इव अग्न्या, अग्न्या मैंने पिछली बार बताया था, अग्न्या कौन होती है, हाँ वो कौन है, पत्नी भी है लेकिन नाम किसका है अग्न्या वेद में, वो मंत्र में हमने अग्न्या का अर्थ पत्नी किया था लेकिन वास्तव में अग्न्या किसका नाम है वेद में, गाय का नाम है अग्न्या, मैंने बताया भी था शायद, अग्न्या जिसे मारा नहीं जाना चाहिए, अग्न्या गाय। तो अन्यो अन्यम अभिहर्यत, परस्पर स्नेह करो, किसकी तरह, जैसे अग्न्या वत्सम जातम इव, नए पैदा हुए बछड़े को करती है, उसमें कोई स्वार्थ कोई द्वेष कुछ नहीं होता, जैसे ही बछड़ा जन्म लेता है तो जितना प्यार वो अग्न्या गाय लुटाती है अपने बछड़े पर, ऐसे परस्पर एक दूसरे को प्रेम करो। तो परिवार का एक सबसे मूलभूत जो स्तंभ, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ अ फैमिली इज स्नेह, लव, अफेक्शन, जिसे हमने इस शब्द से भी कहा और यहाँ भी वही है, अन्यो अन्यम, अन्यो अन्यम म्यूचुअली अभिहर्यत, स्नेह करो प्रेम करो, उतना ही प्रेम और वैसे ही प्रेम जैसे कि गाय अपने नवजात बछड़े को करती है। और दूसरा ही मंत्र ले लीजिए, दिस इज ओनली वन ऑफ द हिम्स फ्रॉम अथर्व वेद, देर आर 20,000 वर्सेज, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वेदों में उनमें से ये सात मंत्र केवल आपको नमूना दिखाने के लिए हैं, जहाँ परिवार की बात, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये जो है आपको पूरा एक चित्र दे देते हैं। अब कौन कौन है परिवार में, अनुव्रत पितुः पुत्रो, ये भी मैंने पहले बताया था, पुत्र पितुः अनुव्रत, पुत्र पिता के व्रत के पीछे पीछे चलने वाला हो, द सन शुड फॉलो द पाथ फॉलोड बाय द फादर, दैट मींस फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द सन शुड फॉलो हिम, अनुव्रत पितुः पुत्रो। अब अनुव्रत, व्रत के पीछे चले, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले फादर कैसा होगा, पिता कैसा होना चाहिए, पिता व्रती होना चाहिए, व्रती उसका कोई व्रत होना चाहिए, तभी तो उसके व्रत का पालन कौन करेगा, पीछे पीछे पुत्र चलेगा, तो पिता कैसा होना है, व्रती, संकल्प का धनी, उसने कोई व्रत लिया है, क्या व्रत लिया है कि अपने परिवार को बांध कर संस्कारी बनाना, ये उसका व्रत है, उसके व्रत के पीछे पीछे कौन चलता है, पुत्र। और पुत्र मात्रा भवतु सम्मना, पिता के तो व्रत का पालन करे, जिस रास्ते पर पिता जा रहा है उसी रास्ते पर पुत्र चले, और चलता भी है, अच्छे रास्ते चलता है पिता तो पुत्र अच्छे रास्ते चलेगा, पिता अगर अच्छे रास्ते नहीं चलता तो पुत्र भी उसका अनुगमन करता है, प्रायः ऐसा रोल मॉडल कौन होता है बच्चे का पैदा होते ही, वो तो पिता ही है, मात्रा माता रोल मॉडल नहीं हो सकती, माता के साथ पुत्र का क्या हो, भवतु सम्मनाः, वही जो सामनस्य में है, माता के साथ पुत्र का क्या हो, मन मिला रहे, सम्मनाः, माता के मन के साथ पुत्र का मन मिला रहे, देयर शुड बी कनकॉर्ड बिटवीन द मदर एंड द सन, सन मीन्स हियर बोथ डॉटर एंड सन, तो पिता के आदर्श का पालन करने वाला और माता के मन का अनुगमन करने वाला संतान अपत्य पुत्र पुत्री होना चाहिए। और ये दोनों कब होंगे, पिता का अनुगमन और माता का सामनस्य,
जाया पत्ये मधुमतीम, जाया जब जन्म देने वाली जननी पत्नी, पत्ये पति के प्रति, पति के लिए, कौन सी विभक्ति है? पत्ये, पति शब्द चतुर्थी एक वचन। जाया पत्ये मधुमतीम वाचम, मधुमती वाणी मीठी वाणी, वदतु बोले शांतिवाम जो शांति प्रद हो, पत्नी पति के साथ मीठी वाणी में बोले। लेकिन अब ये दूसरी लाइन तो बहुत से पति अपना लेंगे, पहला शब्द क्या है? पहला जो मंत्र का शब्द है वो क्या है? अनुव्रत। और अनुव्रत में समाया हुआ क्या है? व्रति। तो सबसे पहला दायित्व किसका है? पुरुष का, पिता का। वो व्रति होना चाहिए, पुत्र उसका अनुव्रत होना चाहिए, पुत्र का माता सबके साथ किसका किसके साथ कैसा संबंध है? पिता पुत्र का, पिता माता का, पिता और पुत्र का, माता और पुत्र का, और फिर माता और पिता का। जाया पत्ये मधुमतीं वाचम वदतु शांतिवाम, पत्नी पति के साथ मीठी वाणी बोले, शांतिवाम जो शांति देने वाली हो। यह है दूसरा। आगे आइए, परिवार में पिता हो गया, पुत्र हो गया, माता हो गई, पति और पत्नी हुए। अब है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्ष, भाई भाई से द्वेष न करे। अक्सर क्या होता है, भाइयों में तो द्वेष होता ही होता है। पंजाबी में तो कहावत है द्वेष की भाइयों में होता ही होता है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, ये त का ना बन गया है, वहां पर संधि हो गई है। द्विक्षण माँ, भाई भाई से द्वेष न करे। माँ माने न, माँ द्विक्षत, भाई भाई से द्वेष न करे। माँ स्वसारम उत स्वसा, स्वसा किसे कहते हैं? बहन को। कैसे रूप चलते हैं? स्वसा स्वसारम स्वसरी शब्द। जैसे पिता के चलते हैं वैसे ही उसके माता के जिस माता। तरह चलते हैं, स्वसा भगिनी बहन, स्वसारम बहन से माँ मत करे। क्या मत करे? द्वेष। भाई भाई से द्वेष ना करे और बहन बहन से द्वेष ना करे। इसका मतलब, दिस इज वेरी वेरी कॉमन दैट द ब्रदर इज जेलस ऑफ ब्रदर एंड द सिस्टर इज जेलस ऑफ द सिस्टर, सो दे शुड नॉट बी। इसीलिए पहले ही मंत्र में क्या कहा था? सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, मैं द्वेष को क्या कर देता हूँ? नष्ट करता हूँ। और तुम लोग परिवार में मिलकर रहो। कैसे रहो? जैसे गाय अपने बछड़े के साथ प्रेम से रहती है। तो माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत, माँ द्विक्षत, सॉरी द्विक्षत, द्विष धातु, द्विष जिससे द्वेष शब्द बनता है। फिर अगली पंक्ति देखिए, सम्यंचह सव्रता भूत्वा, सम्यंचह इन अ वेरी नाइस मैनर, सम्यक कहते हैं प्रॉपर, सम्यक सम्यक, और सम्यंच इसका बहुवचन है, सम्यक सम्यंचौ सम्यंचह सम्यंचह, इन अ प्रॉपर मैनर यू शुड ऑल बी अपराइट एंड सव्रता भूत्वा। सबको क्या करना चाहिए? सबको एक साथ व्रत लेना चाहिए। पुत्र तो पिता का अनुव्रत हो और परिवार के सभी सदस्य क्या हो? सव्रता, सव्रता, व्रत के बिना कोई ना। सम्यक का बहुवचन, सम्यक का बहुवचन, सम्यक सम्यंचौ सम्यंचन, सम्यक अव्ययन नहीं नहीं, यहाँ तो सम्यंच, ये वेद का ग्रामर अलग है। अव्यय मानते हैं, अव्यय भी है लेकिन वो नाउन भी है। सम्यक सम अंचतीति सम्यक, जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, वहां पर वो अव्यय है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, लेकिन यहाँ पर सम्यंचह बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सम्यंचह सव्रता भूत्वा,
सबका एक व्रत हो, सब व्रत लेकर चलें। और वो व्रत क्या है अभी आगे एक मंत्र में आएगा। परिवार में पंच महायज्ञ की प्रथा थी, नीचे आकर धर्मशास्त्रों ने तो नाम गिना दिए कि पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए। तो वो व्रत क्या है, जब अग्निहोत्र करते हैं तो व्रत लेते हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि कौन है, वो व्रत का पति है। और जो जो अग्निहोत्र करते हैं वे सब क्या करते हैं, उसका पालन करने के लिए व्रत लेते हैं। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम् तन्मेराध्यताम्, ये संकल्प लिया जाता है। तो सम्यंच संव्रता भूत्वा वाचम वदतु भद्रया, एक दूसरे से मीठी वाणी बोलो। वहां तो था कि पत्नी पति से बोले, अब परस्पर सब एक दूसरे से कैसी बातें करें। वाचम वदतु भद्रया, मीठी वाणी, प्रॉपर लैंग्वेज, भद्रया, भद्र भावना से, भद्र इस मंगल, मंगल। तो ऐसी बात बोले जैसे पंजाबी में, फिर मैं क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है तो नेचुरली कम्स टू मी, उसमें कहते हैं ऐसी बोली बोलिए कोई ना आंखें चुप। मेरी दादी बोलती थी कि ऐसी बात कहो कि कोई कहे ही नहीं कि चुप कर जा, ऐसी बैनी बइए कोई ना आंखें उठ, और ऐसी जगह बैठो कि कोई ये ना कहे उठ जाओ। तो मतलब बैठो तो सोच के बैठो, बोलो तो सोच के बोलो। तो वाचम वदतु भद्र। उन लोगों ने वेद नहीं पढ़े थे, बिल्कुल निरक्षर थे वो लोग, लेकिन ये सारा ज्ञान उनको कहाँ से मिला था, इट वॉज ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर। आजकल परिवार जैसा शुरू में हमने कहा, अब ज्वाइंट फैमिली है नहीं तो बच्चों को ये ज्ञान दादी से नहीं मिलता, वो तो जो मेड का ज्ञान है वो बच्चे को मिल रहा है। तो इसलिए संस्कारहीन पीढ़ी पैदा हो रही है अभी हमारी, ये सारे संस्कार जो अनायास मिल जाते थे परिवार में वो सब खत्म होते जा रहे हैं। अब भद्रया का मूल शब्द क्या है, भद्रया का मूल शब्द क्या है, भदी, भदी ऐश्वर्य, भदी ऐश्वर्य धातु से भद्र, सुभद्र इसी से सुभद्रा। वाचम वदतु भद्रया, ये भद्रा तो अगरं तो क्या लिया, नहीं नहीं भद्र शब्द है, तीनों लिंगों में चलता है, भद्रम। अच्छा। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवः, भदि धातु है, भदि ऐश्वर्य। अगला है, बहुत ही सुंदर है अगला, तो सुनृता वंतः। कैन एनीबॉडी राइट द मंत्र, आपके पास है ना उसमें, आपके पास है ऐश्वर्य, यू कैन राइट मुझे मिलेगा तो मैं लिखा। हाँ लिखो, मैं दिखा। येन देवा। नहीं नहीं ये है ना सुन, अच्छा हाँ, येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते, यही वाला, यही वाला, येन देवा, मिटा दो इसको। येन देवा न वियन्ति, येन कौन सा शब्द है, यत का, उन लोगों को बोलने दो जिनको संस्कृत नहीं आती। हाँ जी, यत शब्द का एग्जाम तो सबको देना है ना, यत का बहुत ही सर, राम का याद कीजिए, राम द्वितीय का बहुवचन नहीं, तृतीया एक वचन, यत क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है, यत सर्वनाम, सर्वनाम, यत किम इदम तत, ये सब सर्वनाम है, लेकिन इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये न पुल्लिंग है। जिन लोगों ने अभी जो थर्ड सेमेस्टर में है उनको तो सारे रूप याद कराए थे फर्स्ट सेमेस्टर में बिमली जी ने, भूल गए सब। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, येन का तृतीया एक वचन, यत अव्यय है, ओ सॉरी सर्वनाम है, इसका तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, द क्वेश्चंस आर नॉट फॉर यू प्लीज,
लता के रूप याद है, लता लतिया, वेरी गुड। तो क्या बनेगा? यया। शाकुंतल में आया है ना, यया प्राणिनः प्राण, पहले ही श्लोक में जो अष्ट मूर्तियां हैं, यया प्राणिनः प्राणवंतः। तो यया यत का तृतीय एक वचन स्त्रीलिंग है। येन देवा न वियन्ति, येन जिसके द्वारा दे, ये कृणमो है बेटा, ये कृणमो, और ये शब्द आ गया कृणमो। येन जिसके द्वारा देवता दिव्य शक्तियां न वियन्ति, कभी भी विचलित नहीं होते हैं, नोच विद्विषते, न ही द्वेष करते हैं, मिथह माने परस्पर, म्यूचुअली, मिथह परस्पर म्यूचुअली, डू नॉट गेट जेलस ऑफ ईच अदर एंड दे नेवर गोस एस्ट्रे, कभी गलत मार्ग पर, वियन्ति, यन्ति माने जाते हैं, वियन्ति माने विचलित नहीं होते हैं, जिसके द्वारा देवगण कभी विचलित नहीं होते हैं और कभी भी परस्पर द्वेष नहीं करते हैं, वो क्या है? शुरू कहाँ से किया? येन, जिसके द्वारा। जब भी हम कहते हैं जो, तो हमें किस चीज की इच्छा रहती है? जो ऐसा है, इसका मतलब वो ये है। यत के साथ, यत के साथ हमेशा कौन आता है? तत्। तो अब लग रहा है क्या है वो तत्? वो तत् है ये संज्ञान, वो संज्ञान है, वो कनकॉर्ड है, परस्पर ऐसा संबंध है, ऐसा स्नेह है, जिसके कारण दिव्य शक्तियां कभी विचलित नहीं होती, परस्पर कभी द्वेष नहीं करती। वो परमात्मा क्या कह रहा है? तत् वह संज्ञानम, यहाँ था तृतीया और यहाँ क्या है? एक वचन, तत् संज्ञानम, वह संज्ञान, वो माने ये भी सर्वनाम है, कोई बड़ा प्रसिद्ध, बताइए वो कहाँ से आया? हिंदी में तो वो जा रहा है, ये वो नहीं है, ये वो क्या है? संस्कृत टीचर्स नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम तो बोल रहे हैं। वो इसका जो मूल है वो मैं बता देती हूँ, बताइए कोई शब्द याद आ रहा है? तुम्हारा, संकेत भी दे देती हूँ, तुम्हारा, स्वम, त्वम, ठीक है, उसका मूल क्या है त्वम का? युष्मद, युष्मद और अस्मद, ये भी दो सर्वनाम है ना, बहुत ही मतलब प्रचलित, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं संस्कृत में, युष्मद, और ये है युष्मद का षष्ठी बहुवचन, युष्माकम। तत् संज्ञानम, वह संज्ञान, वह पारिवारिक सद्भाव, वह तुम लोगों के गृहे, घर में, पुरुषेभ्यः, सब जनों के लिए, पुरुष का मतलब यहाँ पर मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं है, पुरुष माने व्यक्ति, जन, सदस्य, परिवार के सभी सदस्यों के लिए मैं क्या करता हूँ? तुम्हें उसी संज्ञान का उपदेश देता हूँ। तत् ब्रह्म माने ज्ञान, कैसा ज्ञान? व्यापक ज्ञान। ब्रह्म शब्द किस धातु से बना है? ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग माने जो नित्य विस्तृत होता रहता है, ब्रिंग वृद्धौ, जो सदा बढ़ता ही रहता है, ऐसा व्यापक ज्ञान। ज्ञान कई प्रकार का हो सकता है, एक ज्ञान होता है जो आजकल लोगों को हो रहा है कि वो एक दूसरे को बांटते जा रहे हैं, संकीर्ण बनाता जा रहा है, और एक ज्ञान इस तरह का है, यहाँ कहीं बांटने की बात हो रही है? कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत, अमेरिका, ईरान, कोई बांटने का इसमें संकेत है? ये कैसा ज्ञान है? ये व्यापक ज्ञान है, सबके लिए है। तो ब्रह्म, तत् ब्रह्म संज्ञानम, वह ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, जो मिलाने वाला ज्ञान है, वह मैं तुम लोगों के घर में सभी सदस्यों के लिए देता हूँ, कृणमो, करता हूँ, कृणमो, करोमि, तत् करोमि संज्ञानम, वह गृहे पुरुषेभ्यः, तुम्हारे घर के सब सदस्यों के लिए
मैं वो ज्ञान देता हूँ जिस ज्ञान के द्वारा दिव्य शक्तियाँ कभी विचलित नहीं होती हैं और ना ही कभी परस्पर द्वेष करती हैं। कभी देखा कि सूरज को चांद से जलन हो गई हो या हवा को पानी से जलन हो गई हो? ये सब देव हैं। देव कौन है? देवो दाना, जो कुछ देते हैं वो सब देव हैं। तो देने वाली जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, कभी वो पथ से विचलित होती हैं? जब होती हैं किसी प्राकृतिक कारण से, सूरज नहीं निकलता तो हम लोगों की क्या हालत होती है? लेकिन वो विचलित नहीं हुआ है, वो तो हमने ही कुछ ऐसे कारक उत्पन्न कर दिए कि धूप जो है कम हो रही है या वातावरण का जो चक्र है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो हमने तीन शब्द पहले पढ़े, सहृदयम, सम्मनस्यम, अविद्वेषम, और अब चौथा क्या आ गया? संज्ञान, म्यूचुअल कनकॉर्ड। तो सहृदयम यूनियन ऑफ हार्ट्स, सम्मनस्यम यूनिटी ऑफ माइंड्स, अविद्वेषम एब्सेंस ऑफ जेलसी, एंड संज्ञानम म्यूचुअल कनकॉर्ड। अगला लिखो, चलो साईश्वरी हाँ। पांचवा, ये चार हो गए। अगर पहले चार बोल के वो करिए, शुरू से बोलिए, पहले बैठो, स बोलो, शुरू करो, तुम ही बोलो। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्य। दूसरा, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सहनाः, जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्तिः। तीसरा, मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा सम्यं च सुव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। अग्ला, येन देवा नो वियन्ति नो चोच विद्विषते मृथः तत् कृणो ब्रह्म संज्ञानम् पुरुषेभ्यः। अब ये देखिए, जब कभी गेट टुगेदर करते हैं ना आजकल, फैमिली गेट टुगेदर, वो टुगेदरनेस कैसी होती है? केवल फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, कपड़े दिखाने और गहने दिखाने। एग्जैक्टली, तो केवल फिजिकल गेट टुगेदर होता है, लेकिन यहाँ पर ये गेट टुगेदर है, क्या है ये? जब भी फैमिली मिले, अगर इन मंत्रों का पाठ करे, किसी भी पारिवारिक सत्संग में, समारोह में, और अब आपको क्योंकि अर्थ मालूम है, तो अगर आप इस तरह इन मंत्रों को हम फैलाएं अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में भी अफवाहें फैलाते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो इन मंत्रों को अर्थ सहित फैलाइए कि वेद में परिवार का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला लिखो। ये पुरुषेभ्य का मतलब, पुरुषेभ्य माने सदस्यों के लिए, मनुष्यों के लिए, तुम्हारे परिवार के मनुष्यों। ये भी चौथी विभक्ति, चौथी विभक्ति, चौथी विभक्ति, बहुवचन, 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 मेरा क्रम से नहीं है। पांचवा, मोबाइल में चार लिया ना, जया। पांचवा कौन सा? जयाय स्वं तह चित्तिनो मा वियोष्ट। नहीं मैम, जया जाय क्या है? जाय स्वं, जाय स्वंतः चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्तः सदुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त। आगे क्या है? एत संघ्रीचिनान वह कृणोमि। ओला में लिख दूं, लिखा नहीं है पूरा, उसमें से नहीं, तब तक इतना लिखो तुम्हारे पास है। ये ले लो बेटा, इसमें देखो, ये ले लो बच्चे, ये वाले इसकी दूसरी लाइन क्या है? सुनृतावंतः सुभगा इरावंतो हसा मुदाह। आगे छठा है, ये बहुत छोटा लिख रही हो बच्चे, हाँ बड़ा लिखो। ओ इतना छोटा, ओहो नजर नहीं आएगा।
जो सोच रही है कॉपी पे लिख रहा हूँ किसी की अन्योता अभी मैं जाके ये पेपर भी भेज दूंगी आपको, इसमें कुछ और भी है, रेखा लिखो हाथ को खोलो बोर्ड पे लिखने से पहले संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः ध पूरा है बेटा संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः सधुराश्चरन्तः विसर्ग आएंगे अगली पंक्ति अन्यो अन्यस्मै अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त वल्गु आधल वल्गु वदन्त वदन्त चौथा चरण है एत एत सद्रीचीनान् वह कृणोमि वह सम्मनसस् कृणोमि सद्रीचीनान् वह सम्मनसस् कृणोमि सद्रीचीनान् वह वह फिर आया देखिए वही वह वो इसी तरह अस्मद के लिए नह नो नह माने हमारे लिए चतुर्थी में और षष्ठी में दोनों में अस्मभ्यम अस्माकम इसी तरह युष्मभ्यम युष्माकम इनकी जगह वह आ सकता है दो जगह आता है सम्मनसस्कृणोमि मंत्र का वो क्या बताया है देखिए ऋषि कौन है इसमें ऊपर दिया हुआ है ऋषि कौन है देवता कौन है सन्स है ना यहाँ पे नहीं 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 ऋषि अथर्वा देवता चंद्रमा और साम्मनस्य चंद्रमा भी है और साम्मनस्य भी अथर्वा ऋषि क्यों है इससे क्या पता चल रहा है अथर्वा से अथर्ववेद है अथर्ववेद का मुख्य जो ऋषि है वो कौन ज्यादातर सूक्तों का ऋषि कौन है अथर्ववेद में अथर्वा उसे अथर्वा क्यों कहते हैं न थर्वति इति जो कांपता नहीं है जो खुद स्थिर रहता है अथर्वा माने जो कभी हिलता डुलता विचलित नहीं होता है अपने संकल्प पर अपने व्रत पर अटल रहता है अथर्वा एक नाम अथर्वा है दूसरा अंगिरस भी है अंगिरस कौन है दो तरह के मंत्र होते हैं अथर्वेद में अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं उसको अंगिरा माने अंगिरा हिंदी में चलता है अंगारा अंगारा क्या किसका होता है अग्नि अग्नि तो अंगिरा से वो अंगारा बन गया है विकृत होते होते अंगिरा माने वो चमकता रहता है और अथर्वा माने वो कभी विचलित नहीं होता है ज्यायस्वंतः चित्तिनः ये सब के किसके विशेषण हैं आप सब अथर्वा ऋषि उपदेश मैंने शुरू में बताया था कि वेदों में तीन तरह के मंत्र मिलते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन
ये कौन से पर्सन में चल रहे हैं मंत्र? तुम सबको, मैं तुम्हारे ग्रह में संज्ञान करता हूँ, मैं तुम सबके लिए सहृदय सामनस्य और अविद्वेष का उपदेश देता हूँ। कौन सा है ये? मध्यम पुरुष, क्योंकि एड्रेस किया जा रहा है सीधे, अथर्वा ऋषि संबोधन कर रहे हैं किसको? पढ़ने वालों को, सुनने वालों को। अब क्या कह रहे हैं? और अथर्वा के माध्यम से कौन कर रहा है? ये ज्ञान अथर्वा का नहीं है, बोल अथर्वा रहा है, दर्शन उसने किया है तत्व का, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान कौन दे रहा है? ईश्वर, ईश्वर। तो ज्यायस्वंतः बड़े होते, ज्याय कहते हैं बड़ा, छोटा होता है कनीय और ज्याय होता है बड़ा, बढ़ते रहो। ज्यायस्वंतः वृद्धि को प्राप्त होते रहो, और कैसे रहो? चित्तिनः, सोच समझ कर कॉन्शियस होते हुए। चित्ति, चित धातु से चित्ति, सोच समझ कर करना। मनुष्य कौन है? मत्वा कर्माणि सेव्यति, जो मनन करके करता है, इसलिए वो कैसा है? चित्ति है। पशु क्या करता है? मनुते इति मनुः, पश्यति इति पशु, जायते इति। मैंने बताया था तीन वो होते हैं स्तर। पहला स्तर क्या है? सभी जन्म लेते हैं, पशु पक्षी मनुष्य हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े सब क्या है? जन, जन तो सभी हैं, जन्म लेते हैं, जो जन्म लेता है वो जन, जायते इति जन। जन्म के बाद सब देखते हैं, जिनकी भी आंखें हैं, इसलिए सब पशु भी हैं। पश्यति इति पशु, अंग्रेजी में तो पढ़ाया ही जाता है वेस्टर्न लॉजिक में, मैन इज अ रेशनल एनिमल पढ़ते हैं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सब हम एनिमल हैं। क्यों? क्योंकि हम पश्यति इति पशु। लेकिन जो तीसरा स्तर है मनुते इति मनु, जो मनन करता है वो मनु है। इसलिए वेद में क्या आदेश दिया? मनुर्भव। क्या कहा गया? मनुष्य बनो, मनुर्भव। अब कोई पूछता है कि ये क्यों कह रहे हैं मनुष्य, तो हम हैं ही, जन्म मनुष्य का मिला, मनन करो, शरीर मनुष्य का, फिर कह रहे हैं मनुष्य बनो, शरीर मिल गया मनुष्य का, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली काम करते हैं, इसका मतलब हम मनु नहीं। इसलिए वेद क्या आदेश दे रहा है? ज्यायस्वंतः, ग्रोइंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर, चित्तिनः, डिलीवरेटिंग अपॉन एवरी एक्ट, महावियोष्ट, नेवर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। महावियोष्ट, एक दूसरे से अलग मत हो। पहले क्या कह दिया? अन्योन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे के साथ वैसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े के साथ करती है। अब कह रहे हैं कभी अलग मत हो, माँ वियोष्ट, कभी पृथक मत हो। लेकिन ये कब होगा? इससे पहले दो चीजें जोड़ दी, अगर वृद्धि चाहते हो, अगर विकास चाहते हो, मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो पहले साथ होगा तभी विकास होगा। ज्यायस्वंत, ग्रो टुगेदर, चित्तिनः, कॉन्शियसली थिंकिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन दैट यू आर गोइंग टू टेक। चित्ति, विवेकी बनो, एक साथ बढ़ो, आगे चलो, विवेकी बनो, और कभी भी पृथक मत हो, क्योंकि कहा जाता है संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में शक्ति किस में है? संगठन में ही शक्ति। अगर हम बंटते रहेंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, और वही हो रहा, डिवाइड होंगे तो हम नष्ट होंगे। तो कलयुग में शक्ति किस में है? संघ में है, संगठन में है। फिर क्या करो? संराधयंतः, परस्पर एक दूसरे का विकास करो, एक दूसरे को बढ़ाओ। समराध, राध धातु होती है ना आराधना में, कि उसकी आ लगा दिया तो पूजा करना। सम माने एक दूसरे को बढ़ाते हुए। और सधुराह चरंतः, सधुराह जैसे धुरे में कोई चीज बांध दी जाती है, धुरी होती है बीच में और उसमें धागा बांध दिया जाता है, तो धुरी के चारों ओर वो क्या होती रहती है? घूमती रहती है। तो धुरी कितनी होती है? एक या चार? एक। और घूमने वाला कितने होते हैं? आठ दस, कितने भी हो सकते हैं। जहां उनकी धुरी है वो घूम घूम कर फिर क्या करेंगे? तो सधुराह, धुरी में जुड़े हुए जैसे एक साथ चलते हैं,
वैसे ही धुरी में जुड़े हुए एक साथ चलते, एक लक्ष्य हो। वो जो कहा ना कि एक लक्ष्य होगा तो सब एक ही तरफ चलेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, एक का मुंह उधर है तो दूसरे का उधर, तीसरे का उधर। किसी का लक्ष्य पूरा होगा, किसी का भी पूरा नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे और वही खींच रहे हैं। चप्पा यहाँ पर कितने विशेषण दिए, चार तो विशेषण दिए, पांचवा एक आदेश दिया, माँ वियोष्ट, कभी अलग मत हो। और क्यों अलग मत हो, सबसे पहले ज्यायस्वंतः वृद्धि को प्राप्त हो, विकास करो, चित्तिनः विवेकी बनो, सम्राधयंतः एक दूसरे का परस्पर क्या करते रहो, उनकी वृद्धि करो। क्योंकि अगर मेरा फायदा होगा तो तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा तो मेरा होगा, अगर विकास होगा एक का तो सबका होगा। क्यों ऐसा होगा, एक के विकास में सबका विकास क्यों? और अभी क्या होता है कि मेरा तो हो, भर्तृहरि का नीति शतक आपने पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा था, लेकिन उसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। भर्तृहरि चार तरह के लोगों की बात करते हैं, बताओ कौन सा है? एक तो ज्ञानी होते हैं, एक है सत्पुरुषा परार्थ घटका, एक तो मूर्ख की, और एक सज्जन, एक दुर्जन, कई तरह से बांटते हैं वो। तो इस श्लोक में वो क्या कहते हैं कि एक तो सत्पुरुष होते हैं सज्जन, वो क्या करते हैं कि अपना भले नुकसान हो जाए वो दूसरे का फायदा करें। अब ऑफ कोर्स हम में से कोई ऐसा नहीं है, है ना, भर्तृहरि के समय में कुछ थे ऐसे, अब तो शायद ही कोई हो जो अपना नुकसान करे और दूसरे का फायदा करे। दूसरे मध्यम कोटि के होते हैं जो क्या करते हैं, अपना नुकसान ना हो तो दूसरे का फायदा करेंगे। ठीक है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा भले, हमारा नुकसान अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या जा रहा है, हमारा फोन करने से किसी का भला होता है तो हम कर देंगे, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जा रहा, ना पैसा लग रहा है ना हमारा समय लग रहा है। तीसरे वो हैं जो अपना फायदा देखते हैं और दूसरे का नुकसान होता है तो ठीक है वो तो अपना देखेंगे, ये तीसरे हैं अधम। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं चौथी लाइन, ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानी महे, मुझे नहीं पता वो चौथी कोटि को मैं क्या नाम दूं, पहले हो गए उत्तम, दूसरे हो गए मध्यम, तीसरे हो गए अधम, चौथी कोटि है जो बिना मतलब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा लेकिन दूसरे का नुकसान कर रहा है। ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं, दूसरे का हित निरर्थक बिना मतलब दूसरे का हित नष्ट करेंगे, ते के वे कौन है न जानी महे, मुझे नहीं पता वो कौन है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी कोटि बताऊं। और आजकल सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग, और अंग्रेजी वालों के पास तो उसके लिए एक शब्द भी है, क्या है, बहुत अच्छा शब्द है, हमारे पास शब्द नहीं है, भर्तृहरि के पास भी शब्द नहीं, अंग्रेजी में एक शब्द है, सैडिस्टिक प्लेजर, है कि नहीं है, सैडिस्टिक प्लेजर, प्लेजर है लेकिन कब मिलता है, दूसरे को दुख देके। हमारे टीचर होते थे, साइकोलॉजी का शब्द है, वो बहुत खुश होते थे जब क्लास में परेशान, सब 50 के 50 परेशान होते थे एग्जाम देते हुए, तो बड़े खुश होते थे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन यहाँ जो चार बातें हैं, शब्द आ गया परपीड़क, परपीड़क, हाँ वो तो अनुवाद कर लिया ना, लेकिन तुलसीदास ने क्या कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। तो हमारे यहाँ ये मान्य नहीं है, मतलब समाज में अब ऐसे ही लोग ज्यादा हैं, लेकिन एक समय था जब ऐसे लोग मिलते नहीं थे, और मिलते थे तो भर्तृहरि को उनका नाम नहीं मिलता। और वेद क्या कह रहा है, कैसे बनो, अधम से भी क्या कैटेगरी, अधम से भी नीचे की कैटेगरी, बिल्कुल ज्यायस्वंतः, सबसे पहले कि परस्पर क्या करो, बढ़ो, आगे बढ़ो, चित्तिनः विवेकी बनो, सम्राधयंतः एक दूसरे का उत्थान करो, और सधुराह चरणतः एक धुरी में जुड़े हुए चलते रहो, चलो लेकिन एक दूसरे से उसी तरह जुड़े रहो जैसे धुरी में सारे अरे, पहिए में क्या होती है बीच में धुरी, और सारे अरे जो होते हैं, अभी आगे वो शब्द भी आएगा कि धुरी में जुड़े हुए अरों की तरह तुम सब एक दूसरे से जुड़े रहो। धुरी कौन है, वो परिवार धुरी है, और अरे कौन है,
स्पोक्स ऑफ द व्हील एंड दिस इज द नेवल ऑफ द व्हील. धुरी जो है वो नेवल है और वो स्पोक्स हैं. सधुराह चरंतः मा वियोष्ट, कभी अलग मत हो. और क्या करो, फिर साथ भी रहो, एक दूसरे की तरक्की भी करो, लेकिन अन्यो अन्यस्मयी, एक दूसरे के लिए वल्गु मीठा मधुर वदंत बोलते रहो. साथ रहने का आनंद तो तभी है अगर सब एक साथ रह रहे हैं और कुड़ते जा रहे हैं अपने अपने अंदर, क्योंकि किसी का उत्थान कर रहे हैं ठीक है क्योंकि डंडा पड़ा हुआ है ऊपर, लेकिन परस्पर अगर स्नेह नहीं है, मीठी वाणी नहीं है, तो साथ रहने का कोई. और यही फिलॉसफी इस शताब्दी के, पिछली शताब्दी के शुरू में फैलाई गई और लोगों ने परिवारों से क्या कर लिया, अलग होना शुरू कर दिया. और तब ये नहीं सोचा अब फिर वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे क्या होते जा रहे हैं, एक तो बच्चे अकेले हो रहे हैं, दूसरा बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा, तो मेड पर ज्यादा विश्वास हो गया और परिवार के लोगों पर नहीं. लेकिन अब फिर साइकिल घूम रहा, फिर लोग लौट रहे हैं जॉइंट फैमिली की तरफ. एत आओ, एत कम हियर. सद्री चीनान वह, सद्री चीन कहते हैं जो अच्छे विचारों वाले हैं, शुभ विचारों वाले वह तुम लोगों को युष्मान, युष्मान यहाँ भी वह है देखिए, युष्मान द्वितीया बहुवचन, क्योंकि सद्री चीनान में क्या है, द्वितीया बहुवचन. वह युष्मद शब्द द्वितीया बहुवचन. सद्री चीन माने जो अच्छे विचार के लोग हैं, एक जैसे विचार, ऐसा एक जैसे तो अभी आएगा, अच्छे विचार सद्री चीनान, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं. सद्री चीन पॉजिटिव सोचने वाले, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले वह तुम लोगों को मैं क्या कर देता हूँ, सम्मनसह कृणोमी, लाइक माइंडेड बना देता हूँ. सम्मनसह अहम कृणोमी, किम कृणोमी, वह युष्मान सम्मनसह कृणोमी, कीदृशः यूयम, यूयम सद्री चीनाः. अभी ये शब्द फिर रिपीट होगा, सद्री चीन भी रिपीट होगा और सम मनसह भी रिपीट होगा. सम मनस्य पहले मंत्र में भी आ चुका, क्योंकि सूक्त का देवता कौन है, एक तरफ चंद्रमा है और दूसरी तरफ सम मनस्य है, तो आधि दैविक दृष्टि से तो कौन है, चंद्रमा है, और व्यावहारिक दृष्टि से क्या है, सम मनस्य. चंद्रमा जिस प्रकार शीतल है, सबको देता ही देता है, उसी प्रकार सम मनस्य फैमिली कनकॉर्ड एक दूसरे को क्या देता है, सुख और शीतलता देता है. चंद्रमा को वैसे भी कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, मन से उत्पन्न हुआ है, तो सामनस्य के साथ चंद्रमा का, क्योंकि वो मन की संतान कहा जाता है, मन को अफेक्ट करता है. और जो ये ल्यूनर कैलेंडर है हमारे, ये जो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, आप देखिए ये माइंड को अफेक्ट करते हैं बहुत, तो चंद्रमा के साथ मन का संबंध माना गया. अगला ये हो गया, अगला लिखो कौन, आओ स्नेहा तुम ही लिखो, साईश्वरी तो बहुत छोटा छोटा है. आओ ये पांचवा था, छठा लिखिए, सात हैं टोटल. हाँ ये तो और भी सुंदर है. समानी प्रपा सहवो अन्न भागः, समाने योक्त्रे सहव युनज्मि. वो फिर वही आ गया, वो अन्न भागः, वो अन्न भागः. समाने यो, वो अलग है, सह अलग. समाने योक्त्रे, समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि. जिनमें भी ये जो धातुएं आ रही ना, कृणोमि युनज्मि,
इन धातुओं में न लगा हुआ है, कौन से गण की धातुएं हैं? ये तो दादी जिनमें नुम का आगम हो जाता है, शक्नोति जिसमें बनता है, हाँ है ना, वही है ये जादू। युनजमी कृणोमी तो दादी गण नहीं, दिवादी है शायद, दिवादी है कि तो दादी है, चेक करो उसमें, नुम का आगम हो रहा है। सम्यंचो अग्निम सपर्यत सपर्यतारा इवन अग्निम, मिस प्रिंट होगा, अग्निम सपर्यतारा नाभिमिवाभितः, ये नाभिम एव अभितः हो जाएगा, वैधुरी वाली बात आ जाएगी इसमें, धुरी तो आ गई। हाँ। समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि, अरा इव, इव आ गया ना, नाभि में वाभि तक, ठीक है बेटा, थैंक यू। देखिए और क्या आदेश दे रहे हैं, समानी प्रपा, प्रपा कहते हैं पानी पीने की जगह, प्याऊ जिसको बोलते हैं, प्रपा समानी, तुम्हारा पानी पीने का स्थान एक हो, परिवार में सब लोग एक ही जगह से पानी पिएं। क्यों? पानी का क्या होता है, पानी का तो बहुत महत्व है, अगर सब अपना अलग अलग पानी पिएंगे, अपना अलग अलग खाना खाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारी प्रपा कैसी हो, समानी प्रपा, तुम्हारा पीने का स्थान एक हो, सह साथ साथ, और यहाँ संधि विग्रह हो जाएगा, वह अन्न भाग, वह फिर आ गया, वह कौन सी विभक्ति है, वह तुम्हारा, तुम्हारी, षष्ठी, षष्ठी बहुवचन, युष्माकम, तुम्हारा अन्न भाग, अन्न का भाग भी एक हो। कैसे बैठकर खाते थे मिलकर, हमेशा पूरी पंगत लगती है गुरुकुलों में, अभी भी मिल बैठकर ही खा, अभी क्या होता है किसी का कोई सी, पहले तो घर में टीवी नहीं था, अब टीवी आया शुरू में, एक ही टीवी पे सब बैठ के देख रहे हैं, अब तो हर कमरे में हर एक का, क्योंकि सबको अलग अलग चैनल देखना है, वो अपना खाना वहाँ खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है, कोई नियम नहीं, समाचार सुनने को सब रहे, परिवारों में भोजन के समय एक होकर बैठना, सह वो अन्न भाग, तुम्हारा अन्न का भाग भी साथ हो, सह मिलकर पानी पियो, मिलकर खाना खाओ, सो ईट टुगेदर एंड ड्रिंक टुगेदर, और ड्रिंक वाटर टुगेदर, नथिंग एल्स। समाने योक्त्रे, समान ही योक्त्र, योक्त्र वही आ गया, धुरी, जुआ कहते हैं इस शब्द को, हल में जुआ होता है ना, जिसमें वो सारा कुछ बांधा जाए, बैल को जिसमें जोता जाता है, तो योक्त्र वही है जुआ जिसको कहते हैं, जिस पर बैल को बांधा जाता है, ये युज से ही बना, युज से बना, युज धातु है, अष्ट्रन प्रत्यय है। योक्त्र, समाने योक्त्रे, एक ही योक्त्र में बांधने वाली जगह में वो तुम सबको, यहाँ पर द्वितीया बहुवचन देखो, यहाँ है युष्माकम और यहाँ है युष्मान, अब ये अर्थ संगति से लगाना पड़ेगा, वह तुम लोगों को युनज्मी, मैं जोतता हूँ, नियुक्त करता हूँ तुम सबको, मैं कहाँ जोतता हूँ, समाने योक्त्रे, एक ही समान जुए में जोतता हूँ, जैसे हल में दोनों बैलों को एक जुए में बांधा जाता है, फिर वो साथ चलते हैं, दो बैलों की जोड़ी एक साथ चलते हैं, पशु होकर भी उनके कदम एक साथ उठते हैं, उसी तरह मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, एक योक्त्र में, एक युग में बांध देता हूँ, फिर क्या करो तुम लोग, सम्यंच, फिर आ गया सम्यंच, सम्यक शब्द का बहुवचन, मिलकर एक से विचार वाले होकर, अग्निम सपर्यत, यहाँ हो जाएगा अरा, अरा नाभिम इव अभितः,
वो जो मैंने पहले बात बताई थी, अरा किसको कहते हैं, अरे स्पोक्स, स्पोक्स पहिए के जो ऐसे लंबे लंबे डंडे हैं उनको कहते हैं अरे, और नाभि किसको कहते हैं पहिए में, धुरी। और तुम लोग क्या करो, सम्यंच भली भांति एक साथ मिलकर अग्निम, अग्नि की सपर्यत, सपर्या करो। सपर्या किसे कहते हैं, अब संस्कृत वाले बता दें, सपर्या जी संस्कृत वाले ही बता पाएंगे, सपर्या सेवा, सपर्या क्या है, सपर्या परिचर्या, हाँ परिचर्या, सत्कार, सेवा, सेवा सपर्या। तो सपर्यत अग्निम सपर्यत, अच्छी प्रकार मिलकर अग्नि की सेवा करो, अग्नि के आसपास अभी तक दोनों तरफ से सब ओर से कैसे सेवा करो अग्नि की, जैसे अरे नाभि के साथ जुड़े रहते हैं ऐसे तुम सब उस अग्नि के चारों तरफ बैठकर अग्नि की सेवा करो। क्या करो, अग्नि की सेवा मतलब अग्निहोत्र। गृहस्थ का केंद्र क्या है, गृह की धुरी क्या है, जहां सब आकर जुड़ जाएंगे, अग्नि, अग्नि, अग्निहोत्र। तो तुम सब मिलकर अग्नि की सपर्या करो, अग्नि के चारों ओर उस तरह मिलकर बैठो जैसे अरे नाभि के चारों ओर जुड़े रहते। पहले यज्ञ की अग्नि उसकी सपर्यत सेवा करो, और फिर वही अग्नि कहाँ जलती है, रसोई में, रसोई में। और वही अग्नि फिर कौन सी अग्नि को शांत करती है, पेट की अग्नि, तो अग्नि की सेवा करो, जठराग्नि को वो शांत करती है। और जो गृह अग्नि है, अग्नि भी कई प्रकार की होती है, ये गार्हपत्य अग्नि है जो गृहस्थ की अग्नि है उस अग्नि, क्योंकि जब विवाह होता है, विवाह भी किसके समक्ष होता है, हिंदू विवाह जो है वो अग्नि की साक्षी में ही होता है, और अग्नि को परमात्मा का स्थान दिया जाता है, परमात्मा तो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर होता है, और वो अग्नि इतनी दिव्य है कि उसका तुम्हें जीवन पर्यंत अग्निहोत्री परिवार कहलाते थे। ऐसे भी परिवार होते थे जो एक बार अग्नि उन्होंने जलाई वो जीवन पर्यंत बुझने नहीं देते। राजा जनक आहिताग्नि थे, उत्तर रामचरित में भवभूति ने बताया है, जब वो आते हैं यहाँ दशरथ के यहाँ पर, तो वो अग्नि का व्रत किसी को सौंप कर आते हैं, कभी जाते ही नहीं थे कहीं, क्योंकि वो आहिताग्नि थे जिन्होंने अग्नि को आजीवन प्रदीप्त रखने का, उसको बुझने नहीं देते थे। यहाँ दिल्ली में एक परिवार था, अभी भी है, अब पता नहीं, वो उसको उनकी माता जी जब तक जीवित थी उनके परिवार में अग्नि कभी बुझी ही नहीं, वो अग्निहोत्री ही हैं, नाम से भी अग्निहोत्री हैं और काम से भी अग्निहोत्री। तो समानी प्रपा, तुम्हारा जल पीने का स्थान एक हो, अन्न खाने का स्थान एक हो, मैं तुम सबको एक ही योत्र में जोड़ता हूँ, तुम सब अग्नि की सेवा करो जैसे अरे नाभि के चारों ओर घूमते हैं ऐसे तुम अग्नि के चारों ओर घूमते रहो। मैडम ये अरे माने क्या होता था आपने? अरे वो जो डंडे जैसे ये गोल पहिया है, पहिए के बीच में एक गोला होता है, सारे वो गोले जो लकीरें जो है, साइकिल मोटरसाइकिल में ना लगी होती है वो, हाँ साइकिल के टायर में भी वही होती है, स्पोक्स ऑफ द व्हील। बेटा आओ स्नेहा आओ, अग्नि की सेवा करो, ये नहीं स्पष्ट हो रहा, अग्नि का सेवन करो, अग्नि के आस अग्निहोत्र, अग्नि को प्रदीप्त रखो, अग्नि को, और ये सांकेतिक है, सिंबॉलिक है अग्नि, क्योंकि पांच प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के लिए कहे गए हैं बाद में, यहाँ तो स्पष्ट होता ही नहीं है, वेद में तो केवल संकेत होते हैं, बाद में आकर ये सूत्र ग्रंथों में स्पष्ट किया। ये मैंने कई बार बताया है कि हर गृहस्थ को पंच महायज्ञ करने होते हैं, सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय करना, दूसरा देव यज्ञ, देव यज्ञ वही अग्निहोत्र, तीसरा पितृ यज्ञ बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, फिर अतिथि यज्ञ, और फिर बलिवैश्व देव या भूत यज्ञ।
एक जगह मतलब घर में ऐसी हो जहाँ अग्नि स्थापित है, उस अग्नि के आसपास बैठकर ही पहले ब्रह्म यज्ञ, कुछ सोचना विचारना, कुछ ज्ञान की बात करना, वो अब दिया हो गया, दिया तो उसी का शॉर्ट है, पहले पूर्व तो पूरी वेदी बनी रहती थी घर में, यज्ञशाला थी, अलिंद होता था, अलिंद माने चबूतरा, फिर उस चबूतरे पर वेदी होती थी, वेदी पर कुंड होता था और कुंड के आसपास, अब लेकिन अब हमने उसको शॉर्टकट करते करते, क्योंकि विदेशियों के आक्रमण हुए, उन्होंने यज्ञ कुंड सब ध्वस्त कर दिए, तो अब हमने अग्नि को प्रतीक रूप में अब वो दिया जला लिया, लेकिन वास्तव में वो अग्निहोत्र का ही सूक्ष्म वो है। कहाँ पर? इंडोनेशिया, बाली। हाँ, नहीं अभी भी आप इस पे देखिए नेट में, अभी ज़ोरोअस्ट्रियन रिलीजन का वो आ रहा है जो पारसियों का, उनके यहाँ भी यही है अग्नि, वहाँ पर वो किसी को जाने नहीं देते हैं जहाँ उनकी अग्नि स्थापित है, और यज्ञोपवीत जैसा धागा भी वो बांधते हैं, तो वो भी अपने आप को वो ज्यादा प्योर आर्यंस कहते हैं। हमने तो सारा कुछ छोड़ दिया क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण हुए तो हमारा सब ढीला पड़ गया। अभी भी अब तो यज्ञ केवल कब कब होता है, पहले प्रतिदिन होते थे, ये नित्य कर्म कहे गए थे, नित्य और नैमित्तिक दो प्रकार के कर्म होते हैं, ये नित्य कर्म है पंच महायज्ञ, अब हमने उनको नैमित्तिक बना दिया, बच्चा हुआ उसका नामकरण करना उस दिन कर लिया, शादी हो जनेऊ होना है तब कर लिया, शादी होनी है तब कर लिया, लेकिन वास्तव में ये नित्य कर्म। अब फिर वही शब्द आ गया सद्रीचीनान, भला सोचने वाले सकारात्मक दृष्टिकोण वाले वह, अब बताइए कौन सी विभक्ति? सामने दिख रहा है षष्ठी बहुवचन, कौन सी बहुवचन? षष्ठी कौन है? हाँ तो ये इसी के साथ तो है, वह तुम लोगों को, कैसे तुम लोगों को? सद्रीचीनान, जो पहले से ही अच्छे विचारों वाले हैं, इसमें बीच में एक स छूट गया है, सम मनसस्कृणोमि, तुम लोग सद्रीचीन हो, सद्विचारों वाले हो, मैं तुम्हें क्या बनाता हूं? सम मनसस्कृणोमि, मैं तुम्हें लाइक माइंडेड होने का वरदान देता हूं। कृणोमि एक श्नुष्टीन, एक है व्रत जिनका, एक है व्रत जिनका, संवननेन में एक न छूट गया, संवननेन, ठीक है, संवननेन, संवनन आ गया शब्द। अभी तक हमने कितने शब्द पढ़ लिए? शुरू में मैंने पांच शब्द बताए थे, सहृदय, सामनस्य, अविद्वेष, संज्ञान और संवनन, संवननेन। एक श्नुष्टीन, एक विचार, बहुवचन द्वितीय, फिर से सद्रीचीनान में द्वितीय बहुवचन, यहाँ द्वितीय बहुवचन और ये भी द्वितीय बहुवचन, एक श्नुष्टीन सर्वान, फिर द्वितीय बहुवचन, ये नहीं कि एक को करता हूं दूसरे को नहीं करता हूं, वह सर्वान, तुम सबको मैं क्या करता हूं? संवननेन, संवनन के द्वारा, हार्मनी के द्वारा, ऐकमत्य के द्वारा, परस्पर स्नेह के द्वारा, एकश्नुष्टीन एकजुट करता हूं, एकश्नुष्टीन एकजुट कृणोमि करता हूं। सद्रीचीनान, सद्विचारों वाले वह, तुम सर्वान, सबको मैं सम्मनसह कृणोमि, सम्मना बनाता हूँ, एक मन वाला बनाता हूँ, और संवननेन परस्पर प्रेम के द्वारा एकश्नुष्टीन एकजुट होने का आशीर्वाद देता हूँ। अब क्या करो तुम लोग? मैंने तो दे दिया, अब तुम क्या करो? देवा इव, देवताओं की तरह, देवा इव दिव्य शक्तियों की तरह, अमृतम रक्षमाणा, अमृतत्व की रक्षा करो,
अमृतत्व कहाँ है? तुम्हारे भीतर ही मृतत्व है, तुम्हारे भीतर ही अमृतत्व है। देवता किसकी रक्षा करते हैं? अमृतत्व की। और दानव किसकी रक्षा करते हैं? अमृतत्व की। देवताओं की भांति अमृत की रक्षा करते हुए सायं प्रातः सुबह और शाम वह, अब आ गया चतुर्थी बहुवचन, युष्मभ्यम। तुम्हारे लिए एक और शब्द आ गया, सौमनसो अस्तो सौमनस्य, सौमनस्य। सामनस्य और सौमनस्य में क्या अंतर? सम माने एक समान हो मन सबके, एक समान तो हो गए, जैसे चीन में भी हो गए, कम्युनिस्ट बन गए वो, सबको एक सा ही सोचना है, एक सा ही करना है। जरूरी नहीं है कि वहां पर सौमनस्य भी हो। सौमनस्य माने सुमने अच्छा, खुश होना, सुमन, सुमन से बना है ये। सुमन क्या होता है? खिला हुआ रहता है। तो सौमनस्य माने, एक मंत्र भी आता है ऋग्वेद का है, विश्वदानीम सुमनसः स्याम, विश्वदानीम सुमनसः। प्रार्थना है ये कि हम हमेशा सुमन बने रहें, खुश रहें। विश्वदानीम सुमनसः स्याम, ये सुमनसः से बना है सौमनस्य। हमें विश्वदानी माने सदा, ऑलवेज वी शुड बी हैप्पी लाइक द फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ऑलवेज विदरिंग और वुदरिंग, विच टाइप ऑफ फ्लावर्स? वुदरिंग, वुदरिंग फ्लावर्स। सो सुमनसः स्याम, देवा इव देवताओं की तरह अमृत की रक्षा करते हुए वह तुम लोगों के लिए सुबह और शाम खुशियां हो, तुम सदा खुश रहो। ये अंत में ये आशीर्वाद दे दिया कि मैं तुम्हें कैसा, तुम खुद ही पहले ही तुम कैसे हो, सद्रीचीन हो, सद्विचार वाले हो, मैं तुम्हें सामनस्य देता हूँ, तुम में परस्पर एक मतता लाता हूँ, और संबंधन के द्वारा, प्रेम के द्वारा एक अश्नुष्टीन, एक विचार वाला, एक मत वाला, एक जुट कृणों में करता हूं। ऐसा बनाने पर तुम क्या करो, सायं प्रातः अमृतत्व की रक्षा करो, अपने अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं उन्हीं की उपासना करो, और सदा मिलजुल कर खुश रहो। इस कितना सुंदर सात मंत्रों में कितने आशीर्वाद और कितने सद विचार। फिर से चलिए वो शब्द लिखें जो इनमें हमें सिखाए गए हैं। सबसे पहले पहला ही शब्द है इस सूक्त का, सहृदयम्। दूसरा सामनस्यम्। तीसरा अविद्वेषम्। चौथा संज्ञानम्। संज्ञानम् संवननम्। सौमनस्यम्। कितने हो गए? छः। और इसके साथ जोड़ लीजिए, वो अगली बार करेंगे, क्योंकि सोसाइटी की बात करेंगे हम अगली बार। वो तो सबको पता होगा, यूनिवर्सिटीज में कॉन्वोकेशन में वो गाया जाता है, कौन सा? संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानाताम्। वो संगठन सूक्त है, तो सातवां इसमें जोड़ लीजिए। अभी तो ये परिवार की बात है, जब समाज पर आते हैं तो वो संगठन सूक्त है। अब ये बताओ कि अगर परिवार में ये छह चीजें नहीं है तो क्या समाज में संगठन हो सकता है? नहीं। सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सॉलिडेरिटी, ये सब इनका मूल कहाँ है? परिवार, परिवार में। और परिवार का मूल कहाँ है? माता और पिता। तो अब जब तक एक इकाई, पहले छोटी इकाई कौन है? पति और पत्नी, माता और पिता।
जब तक वो इकाई मजबूत नहीं है और जब तक वहां पर ऐसे भाव नहीं है, तब तक न तो कोई संगठित हो सकता है, न कोई विश्व का कुछ कल्याण। कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन क्या हम समाज का विश्व, समाज के बाद आएगा फिर विश्व, पहले व्यष्टि, फिर ये दंपति, फिर परिवार और फिर समष्टि। तो समष्टि को सुधारने से पहले किसको करना पड़ेगा? व्यष्टि को सुधारना पड़ेगा। इसलिए ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं सारे में, आपको पूरा एक संज्ञान सूक्त है। अभी तो हमने जो पढ़ा इसका नाम सामनस्य सूक्त है, एक संज्ञान सूक्त भी है, अथर्वेद में ही है वो। उसमें कहा है कि अपनों के साथ तो हमारा संज्ञान हो ही, परायों के साथ भी हमारा संज्ञान हो। जिन्हें हम जानते हैं उनसे तो हम हारमनी कर सकते हैं, लेकिन अनजान लोगों के साथ भी हमारी हारमनी हो। तो इतने उत्तम विचार, लेकिन लोगों को न पता है न पता, क्योंकि वेद को कहाँ जोड़ दिया, किसके साथ? ब्राह्मणों के। हिंदू धर्म, उसमें भी ब्राह्मण, तो उस वेद का जो दायरा सारी दुनिया थी उसको कैद करके हमने एक छोटे से, और वो जिनके जो लोग इसका नाम लेते हैं हिंदू या ब्राह्मण, उनमें से भी कितने लोग वेद को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया। अभी एक बहुत बड़ा यहाँ पर ही होने वाला है सोम याग, तो उस यहाँ भारतीय विद्या भवन में होने वाला है। श्रौत याग है, दो तरह के याग होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये तो सब गृह सूत्र हैं, डोमेस्टिक रिचुअल्स हैं, यहाँ तो सब खुला हुआ है। लेकिन जो श्रौत याग हैं, जो वेद की परम श्रुति पर आधारित है, उसमें वो बता रहे थे जो उसके सूत्रधार हैं कि केवल वही लोग वहाँ एंटर करेंगे जो उस परंपरा के अधिकारी हैं। हम लोग वहाँ घुस नहीं सकते, क्योंकि व्रत लेना होगा, उतने दिन उन लोगों का व्रत रहेगा पुरोहितों का, और या अगर वो कुछ भी ग्रहण करेंगे तो खुद पका कर करेंगे, वहां पर नियम और कठोर हैं। लेकिन हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं सामान्य, और हमारे लिए गृह सूत्र, अभी हम उनका पालन करते हैं, सारे हमारे संस्कार किसके अनुसार होते हैं? गृह सूत्रों के अनुसार ही होते हैं। लेकिन पंडित जी आते हैं, वो संस्कार करा के चले जाते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उन्हें भी पता नहीं और हमें भी पता नहीं। तो कम से कम हमें पता हो कि जो बोला जा रहा है उसका अर्थ क्या, इतना हमें अगर ज्ञान हो तो हम इन विचारों का प्रचार कर सकते हैं। अब इसमें कहीं पर आपको कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो पहले। सौमनस्य इज सुमनस्य भाव, सौमनस्य हैप्पीनेस। ये फरवरी में हो रहा है, पहले बहुत बड़े स्तर पर हो रहा, बहुत, ये जो दो प्लॉट मिले हैं ना बगल में नए, उनमें हो, फरवरी में तो छोटा बल्कि हो रहा है, मई में होगा बहुत ही बड़ा। बहुत सारे पंडित और पुरोहित आ रहे हैं वहां से, हैदराबाद से, यानी कहाँ कहाँ से, वो बहुत, मतलब जो लोग उसमें दीक्षित हैं वही लोग करेंगे और वही लोग वहां पर प्रवेश करेंगे। सोम लता होती है ना, एक सोम हर्ब है, तो वो तो बता रहे हैं कि इसको करने से बहुत शांति होगी। अब वेद के बारे में ये कहा जाता है कि सोम रस, इंद्र सोम रस का पान करते थे, वेस्टर्न इंटरप्रेटर्स ने तो कह दिया कि वो सोम रस मदिरा थी और इंद्र भी मदिरा पीता था, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ हर्ब, सोम हर्ब, जिस उन्होंने ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं जो करेंगे कि उन्होंने सोमलता को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको उगाया भी, कई तरह की सोमलता उन्होंने उगाई है। लेकिन उस याग पहले भी हो चुका है दिल्ली में एक बार, वो पंडित विद्या निवास मिश्र जी ने किया था, तो सोमलता का रस उसमें निचोड़ा जाता है यज्ञ में और उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। देखो बहुत सारे शब्द हैं, याग जो हैं वो ज्यादा मतलब प्योर फॉर्म ऑफ प्रचलित हो गया ना यज्ञ। एक तो है होम, है ना, होम धातु कौन सी है, वही हु धातु, होम है, फिर हवन है, ये भी वही धातु है, ठीक है, फिर अग्निहोत्र है, उसमें भी वही धातु है, अग्नि जोड़ दिया आगे, होत्र में तो वही हु धातु, ठीक है, फिर है यज्ञ, इसमें यज धातु है, और यही याग, इसमें भी यज धातु है। ये सारे शब्द, लेकिन ये जो है
ये श्रौत याग जो बिल्कुल टिपिकल ट्रेडिशनल हैं उनके बारे में, ये तो कॉमन हो गए, अब घर में अग्नि हो, ये डोमेस्टिक रिचुअल्स हैं, लेकिन ये जो है ये ट्रेडिशनल रिचुअल है, टिपिकल जो श्रौत। तीन तरह के सूत्र हैं ना, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और श्रौत सूत्र। तो धर्म सूत्र तो वो हैं जो कानून की बात करते हैं, जो हमारे समाज का नियम था वो धर्म सूत्रों में। लेकिन ये परंपरा याग जो है, पूर्णमासी को ये किया जाएगा, अमावस्या को ये किया, वो सब याग है। सौत्र याग भी कहते हैं, श्रौत याग भी कहते हैं उनको, वही करेंगे वो यहाँ पर जो है। मैम आप देख भी नहीं सकते उसको, अंदर जाके तो नहीं देख सकते वो, शायद वो कैमरा, हाँ वही दिखा देंगे बस कैमरे से, कैमरा लगा देंगे बाहर, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो इसका आप कुछ साइंटिफिक बोल रहे हैं, बता तो रही हूँ, जाने दे रहे इसलिए कि उससे कुछ बाधा आएगी वो शांति। नहीं, नहीं वो अधिकारी ही नहीं है हम लोग उसके, लैब के अंदर यू आर नॉट अलाउड। एग्जैक्टली, नहीं जाके भी क्या कर लोगे लैब में, अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप जाके कुछ ना कुछ अनर्थ कर दोगे, है ना। वही बात है कि जो अब अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ, दूसरा कोई टीचर आके तो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, मैं जाके साइंस पढ़ाने लग जाऊँ, मुझे खुद ही नहीं आता, तो हम लोग ट्रेंड ही नहीं है। मुझे तो बल्कि उन्होंने बुलाया और कहा कि आप इसका वो ले लीजिए, जो क्या बोलते हैं एंकरिंग, मैंने कहा मैं नहीं ले सकती, मुझे जिसका ज्ञान ही नहीं है उसमें मैं और कुछ गलत बोल दूँ, जब तक मुझे उसके बारे में, मैंने कहा अभी तो मैं देखूंगी ऑब्जर्वर की तरह, बहुत उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज का हमने कभी देखा ही नहीं, सुना नहीं। एक बार वहां देखा था अजमल खां पार, वो भी ऐसे दर्शक की तरह ही गए थे, तो अभी भी पहले हम दर्शक की तरह ही जाएंगे, क्योंकि जो सोमलता का पता नहीं क्या प्रभाव है क्या नहीं है, वेद में तो कहा जाता है एक स्वर भी इधर से उधर होने से, वो तो शिक्षा शास्त्र जो है ना हमारा साइंस ऑफ रेसिटेशन, उसमें कहा जाता है उदात अनुदात और स्वरित, तीन तरह से प्रोनंसिएशन होता है। एक शब्द है इंद्र शत्रु, मुझे तो पूरा उसका वो भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं, वो तो ठीक है वो मुझे भी पता है, लेकिन उदात कैसे पढ़ना और अनुदात हमें नहीं ट्रेनिंग है। तो इंद्र शत्रु शब्द का अगर आदि उदात होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा इंद्र का शत्रु, और अगर आदि अनुदात हो गया तो जो मतलब इंद्र जिसका शत्रु है, अर्थ बदल, जो कर रहा है वो ही मर गया, मतलब वो कर रहा था अपने शत्रु के विनाश के लिए, लेकिन उसने उच्चारण गलत कर लिया, तो गलत करने से उसका खुद का ही नाश हो गया। तो ये उदाहरण दिया जाता है ये बताने के लिए, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा, एक स्वर या वर्ण भी गलत होने से अपराध होता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अब हम लोग उस लेवल में, हमें ट्रेनिंग नहीं है, हम लोगों को केवल गृह जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में ज्ञान है, और सामान्य स्तर पर हम इसका अर्थ कर रहे हैं, लेकिन जो वैदिक पंडित हैं ट्रेडिशनल, वो साउथ में बहुत थोड़े बचे हैं, और वो लोग किसी दूसरे अनधिकारी को देते नहीं, तो बस वो रिकॉर्डिंग। लेकिन वैसे लेने वाले कहाँ हैं, तुम 11 दिन व्रत करके जैसा वो कहेंगे वैसा करोगे। परिवारों में पूरी परंपरा चली आ रही है ना, वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो शुद्धि का पालन करते हैं, और सिवा उसके वो कोई बाहर का अन्न नहीं लेते हैं, अपने वहाँ पर उगाते हैं। वैसे वेद पाठशाला भी वहाँ पे है, वहाँ पे भी वैसे ही है कि घर की तरह वहीं पे रहते हैं लोग, बिल्कुल वही उसी। तो वो डिसिप्लिन इतना रिगरस डिसिप्लिन है। अभी हमारे वो नरसिंघा जी देखिए 15 दिन शिविर में लगा के आए हैं, वहां पर ही इतना स्ट्रिक्ट होता है, जो कि संस्कृत बोलने का शिविर है, लेकिन ये जो वैदिक वो है वहां तो प्रवेश नहीं मिलता है सबको, प्रवेश भी मिलेगा तो बहुत कम लोग हैं जो उसे, हमें जैसे गुरुकुल में ही भेजा गया बचपन में, तो वही कितना कठिन था, 3 साल गुरुकुल में जो बिताए, हर रोज सुबह शाम हम सोचते थे कि हमारे माँ बाप तो इतने मजे से रह रहे, हमको यहाँ कहाँ डाल दिया, यहाँ खाना नहीं मिलता, छोटे थे उस समय तो सब, भूख लगेगी तो खाना नहीं मिलेगा, और जब वो देंगे तब घंटी बजेगी तब भूख लगनी चाहिए, और वो जो मिलेगा, नमक कम है तो खा लो, नहीं तेज है तो खाओ, और जूठा छोड़ना नहीं है, डंडा पड़ेगा। तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट जो नियम है पालन करना, मेरी कजिन तो भाग गई थी पहले ही साल में। ये सब मतलब हम लोग तर्क के लिए तो कर लेते हैं,
अभी जो हो रहा है मंदिर में वहां भी यही है कि कुछ नियम है, कुछ परंपरा है, आस्था है, उसको पूरा जाने बिना क्यों किसी के उसमें आस्था में दखल। कुछ चीजें तर्क से नहीं जीती जा सकती। अब इसमें और एक दो मंत्र मैं जोड़ना चाहती हूँ ऋग्वेद के। ये छह पॉइंट्स जो शब्द हैं इनको आप याद कर लीजिए। तो ये क्लियर हो गया। सौमनस्य सुमन, सुमन इज लाइक अ फ्लावर, तो जैसे फूल खिला रहता है। या सो मे वी ऑल ब्लेस ब्लॉसम ऑल द टाइम, एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड। एक और मंत्र दूंगी जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम गिनाए गए हैं, कौन कौन है रहते हैं वहां पर। ये ऋग्वेद का है। सस्तु माता, सस्तु पिता, सस्तु श्वा, ऋग्वेद 755:5। किसी ने नया घर बनाया है, वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे घर में सस्तु, सस माने सुखपूर्वक सोना, सस्तु माता, मेरी माता सुखपूर्वक घर में सोए, May my mother sleep peacefully in this house. वास्तोष्पति देवता है इसका। वास्तोष्पति जो शाला निर्माण का देवता होता है, वास्तु होता है ना आजकल, तो वास्तु बन गया है, वो वास्तोष्पति देवता है। तो जब घर बनाया तो प्रार्थना कर रहा है कि इस घर में कौन सुख सुख से सोए। ससवे पहले माता, सस्तु माता, सस्तु पिता, मेरे पिता सुखपूर्वक सोए, सस्तु श्वा, श्वा डॉग, मेरा जो श्वा है वो भी सुखपूर्वक सोए। इसका मतलब परिवार में पशु को पालने की भी प्रथा थी। सस्तु श्वा, श्वा का अर्थ डॉग, कुत्ता, श्वा शुनौ शुनः, तो सस्तु श्वा, श्वा सोए सुखपूर्वक। सस्तु विष्पति, विष कहते हैं जनता प्रजा, और विष्पति कम्युनिटी का जो स्वामी है, जो भी इस मेरे समाज का परिवार का हेड है विष्पति, तो वो सोए सुखपूर्वक। ससंतु सर्वे ज्ञातयः, ज्ञाति का मतलब होता है एक तो जाति होता है, ये ज्ञाति है, ज्ञाति माने बंधुजन, संबंधी, रिश्तेदार। ससंतु सर्वे ज्ञातयः, सारे मेरे संबंधी सुखपूर्वक सोए। सस्तु अयम अभितो जनः, और भी जितने सामने लोग हैं, सस्तु इसको विग्रह कीजिए, सस्तु अयम अभितो जनः, अभितो जनः, और भी जो आसपास लोग हैं, अयम ये सब सस्तु सुखपूर्वक सोए। तो माता हो गई, पिता हो गया, श्वा नाम लिया है श्वा का, लेकिन उसमें गाय भी होगी परिवार में, और भी पशु होंगे। सस्तु विष्पति, जो भी मेरे प्रजापति, जो मेरे साथी लोग हैं, उनका जो स्वामी है वो भी सुखपूर्वक सोए। सारे मेरे संबंधी सुखपूर्वक सोए, और भी जो बच गए हैं आसपास के लोग, वे सब सुखपूर्वक सोए। तो ये घर बनाकर उस घर के अंदर आने वाले सब लोग सुखपूर्वक विश्राम पाए, ये घर हमें सुख शांति देने वाला हो, ये है इसका। और एक अब यजुर्वेद का है।
पुनन तुमा, आज तो बहुत दिन बाद आ गए, पुनन तुमा पितरह सोम्यासह। पुनन्तु मा पितामह पुनन्तु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा। विश्वमायुर्व्यश्नुवै यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 37वां मंत्र, 19वें का 37वां। पुनन्तु मा पितरह सोम्यासह, मुझे सोम्य शीतलता देने वाले पितर, मेरे पूर्वज, मेरे पितृगण पुनन्तु पवित्र करें, मुझे मेरे शीतलता देने वाले पितर पवित्र करें। पुनन्तु मा पितामह, मेरे पितामह मुझे पवित्र करें। माँ मेरे के लिए, माँ माने मुझे, माँ माम द्वितीया एक वचन, माँ के दो अर्थ होते हैं, माँ का अर्थ न भी होता है, निगेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर माँ का मतलब है मुझे। पुनन्तु माँ पितामह, मेरे पितामह ग्रैंड पेरेंट्स मुझे पवित्र करें। पुनन्तु प्रपितामह, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मुझे पवित्र करें। किससे पवित्र करें? पवित्रेण शतायुषा, और मुझे पवित्र 100 साल की आयु का आशीर्वाद दें। और मैं क्या करूं उनके आशीर्वाद से? विश्वम आयुः व्यश्नुवै, पूरी आयु प्राप्त करूं। मतलब सीधे ये कहने की बजाय मे आई लिव लॉन्ग ए लाइफ ऑफ फुल 100 ईयर्स, हमने कहाँ से शुरू किया? मेरे माता पिता सुख देने वाले मुझे पवित्र करें, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे पवित्र करें, और मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मुझे पवित्र करें, और मुझे 100 साल की पवित्र आयु मिले, उस आयु को मैं पूरा बिता पाऊं। तो अपने लिए आशीर्वाद की कामना। अभी क्या होता है, आजकल उल्टा हो रहा है, जितने अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे नौजवान, अभी एक किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ये साइकोलॉजी में होता है ऑटो सजेशन, कि अपने को अच्छी अच्छी बातें बोल के अपने को समझाना, तो ये ऑटो सजेशन है। ऐसे अनेक मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, जहाँ वो कह रहा अपने आप से, परो पे ही मनस पाप किम शस्तानि शंससी, हे मेरे मन के पाप तू दूर भाग जा, मुझसे बुरी बुरी गलत गलत बातें क्यों कर रहा है। ये सारा जो है ऑटो सजेशन, एग्जैक्टली, इसको वो लोग ट्रीटमेंट में ऑटो सजेशन को यूज करते हैं, कि आप हमेशा अच्छा देखिए। जब महिला गर्भिणी होती थी तो उसके सामने अच्छे अच्छे स्वस्थ और सुंदर बच्चों के चित्र लगाए जाते हैं, क्यों? कि जैसा दे, अभिमन्यु का उदाहरण आपके सामने है, तो जो देखेंगे उसका असर केवल अपने ऊपर नहीं, अगर अंदर दूसरा जीव पल रहा है उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो जो हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो ऐसे मंत्र पूरी आयु, अभी क्या हो रहा है, बर्थडे मना रहे हैं, केक पे मोमबत्तियां जल, और हमारे यहाँ बुझाना तो अशुभ मानते हैं, 35 बुझा दी और एक जला ली, वो भी कई बार बुझ जाती है गलती से, उसको बुझाते बुझाते, तो बुझाने जलाने की जरूरत क्या है, हमारी तो एक बार अग्नि जलती है वो जलती ही रहती है, और उसी में हम ये कर रहे हैं यज्ञ में, वो प्रार्थना कर रहा है अपने लिए। मान लो अपने जन्मदिन पर ये प्रार्थना करें तो इसमें क्या बुराई है, इससे अच्छी कोई प्रार्थना होगी कि मेरी पूरी आयु मैं भोगूं, आयु भी कैसी पवित्र, और किसने पवित्र की, मेरी 3 पीढ़ियों ने पवित्र की हुई है।
मतलब डिजीज फ्री लाइफ एंड ऑफ डिजीज फ्री ऑफ द गुड लाइफ एग्जैक्टली लॉन्ग लाइफ यू मे हैव बट दैट लॉन्ग लाइफ शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी इफ इट्स नॉट हैप्पी एंड हेल्दी नो वेल्थ कैन गिव यू हैप्पीनेस नो अमाउंट ऑफ वेल्थ विश्वम आयुः व्यश्नुवै इसको अलग कर लो विश्वम आयुः व्यश्नुवै वी उपसर्ग है अश धातु है व्यश्नुवै एक और है अथर्ववेद का है बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं आजकल तो मतलब मैडम जी वो जो पितामह वाला बात दिया है ना किसी बच्चे का बर्थडे होना तो कह देते हो तू आज ऊपर ही रहना वो नीचे आके खांसेगा तो क्या माँ बाप को भी कहेंगे मेरे फ्रेंड्स के सामने इधर मत आना तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे सारा हम अपना छो क्योंकि अपना उनकी गलती नहीं है उन बच्चों को जैसा जीवन देखने को मिल रहा है वही तो जिएंगे ना अब जब जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे किसी की हिम्मत थी कि अपने दादा दादी से ऐसे यहाँ से चले जाओ नहीं नहीं अश माने होता है ऑब्टेन मे आई ऑब्टेन देखो ये है विश्वम विश्वम आयुः विश्वम माने कंप्लीट आयु इज लाइफ एज व्यश्नुवै इसमें व्यश्नुवै में वी उपसर्ग है अश धातु है अश माने होता पाना अश्नोति अश्नाति अश्नाति अश्नुतः अश्नाति अश्नुतः अश्नवंति अश प्राप्तौ प्राप्त करूं एक और लिख रही हूँ ऋग्वेद का सॉरी अथर्वेद का है ये आत्मानम पितरम पुत्रम पौत्रम पांच पीढ़ियां यहां भी हो गई पितामह जायाम जनित्रीम मातरम ये प्रियास ये है अथर्ववेद 9:5:30 बुला रहे हैं क्या तान उपव्यय उपव्यय ऊ ये है प और ह में व मिला हुआ या तो ह अलग कर लो ह में हलंत लगाओ और व्यय व पूरा है ह आधा है आह्वान करने आत्मानम अपने आप को पितरम अपने पिता को पुत्रम पुत्र को पौत्रम पौत्र को और पितामह दो पीढ़ी ऊपर और दो नीचे और बीच में मैं हूँ तो मैं अपने आप को अपने पिता को अपने पुत्र को अपने पौत्र को और अपने पितामह को और किसको जायाम अपनी पत्नी को और किसे जनित्रीम जिसने मुझे जन्म दिया उस माता को और ये प्रियाह और भी जो प्रिय हैं तान उन सबको उपव्यये बुला रहा हूँ वही अपने घर में बुलाना चाहते हैं निमंत्रण देना चाहते हैं किसको पांच पीढ़ियां तो दो ऊपर और दो नीचे और एक अपनी खुद की उसके बाद अपनी पत्नी और अपनी जन्मदात्री माँ उसके अतिरिक्त जितने भी प्रिय हैं उन सबको मैं बुलाता हूँ तो परिवार में मतलब कितने रिश्ते होते हैं ये पहले भी आपने देखा परिवार में पति है पत्नी है पिता है पितामह है प्रपितामह है श्वा है उसके बाद विश्वपति है और जितने भी प्रियजन हैं आसपास वे सब परिवार का अंग हैं
क्योंकि परिवार का दायरा बढ़ता चला जाए, दो से शुरू होता है लेकिन परिवार से फिर हम कहते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा ही उदार लोगों के लिए क्या होती है, वही परिवार है। लेकिन अगर पहले परिवार की जो पहली धुरी है, जो पहला स्तर है, वहां पर आपकी मजबूती नहीं है और वो सारी चीजें नहीं है जो परिवार के स्तंभ है, ये सारे दीज आर दी पिलर्स ऑफ अ फैमिली इन वैदिक थॉट। सो उसके बाद आगे हम जो जो दायरे बढ़ाते चले जाएंगे, महाभारत में आपने वो श्लोक सुना होगा कि एक को त्यजे देकम कुलस्यार्थे, वहां कुल शब्द आता है कि एक को कुल के लिए छोड़ दो, कुल को ग्राम के लिए छोड़ दो, ग्राम को जनपद के लिए छोड़ दो, और फिर अब जब मुसीबत आए तो अपने लिए तो सब कुछ ही छोड़ दो, पृथ्वी ही छोड़ दो, आत्मा वहाँ। कल्चर बदल चुकी है, फिलॉसफी बदल चुकी है महाभारत में। वेद और महाभारत के बीच में कौन है? रामायण। रामायण में आप परिवार का आदर्श देखिए, अनुव्रत पितुः पुत्रो, राम ने दशरथ का क्या किया, सवाल किया, हालांकि उसका व्रत कोई सुव्रत नहीं था लेकिन पिता ने उसको वचन दिया था कैकेयी को, वो वचन पूरा करने के लिए, पिता के वचन को झूठा न होने देने के लिए राम ने क्या किया, अनुव्रत पितुः पुत्रो, मात्रा भवतु सम्मना, अपनी माँ के साथ राम का संबंध क्या है, पढ़िए रामायण, कौशल्या और राम का संबंध, उनका जो वार्तालाप है। तो रामायण में पूरी वैदिक संस्कृति परिलक्षित हो रही है। फिर है जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम, सीता और राम का डायलॉग देखिए, इवन मंदोदरी और रावण का डायलॉग देखिए, रावण भले ही अहंकारी है, दुष्ट आत्मा है, लेकिन मंदोदरी उसको किस तरह समझाती। तो पूरा जो वैदिक संस्कृति मानो यहाँ पर तो एक छोटे छोटे संकेत हैं, और उसका फुल फॉर्म अगर देखना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ें। लेकिन महाभारत तक आते आते, क्योंकि तो सारी परंपराएं ध्वस्त हो चुकी हैं, सारे संस्कार न, और महाभारत के बाद से भारतीय संस्कृति का ह्रास शुरू, क्योंकि उसमें सारे जितने भी विचारक और विद्वान बुद्धिमान, जो पूरा पुरुष वर्ग तो नष्ट हो गया था, कुछ ही लोग, कुछ स्त्रियां बची थी, स्त्री पर्व अंतिम पर्व है महाभारत, वहां गांधारी कुंती और द्रौपदी, सिर्फ विलाप ही विलाप है। तो परंपराएं रखने के लिए, बचाने के लिए, आगे संतान की परंपरा चलाने के लिए अगर पुरुष ही नहीं रहेंगे, वो पुरुष जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों को साथ लाए थे, वो खत्म हो गए सारे, तो वहां से हमारी संस्कृति का ध्वंस शुरू हुआ। हाँ, भारत तक हमारे संस्कार कुछ शेष थे, फिर भी धर्म की बात करते हैं जगह जगह, विकृतियां हो गई थी महाभारत काल में, लेकिन फिर भी कुछ संस्कार थे, उसके बाद तो बिल्कुल, फिर उसके ऊपर से हमारे विधर्मी और विदेशी आक्रमण। इसलिए अब हमारे ऊपर दायित्व है कि हम अपने मूल स्रोतों में जो ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो शायद अब, जैसे ये श्रौत याग वाली बात है, शायद हम उसको ज्यों का त्यों समाज में ना चला पाए, लेकिन जो चला सकते हैं वो तो चलाना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं यूनिवर्सल, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो इनके बारे में तो हम लोगों को ज्ञान दें, और कम से कम अपने परिवार में, अपने अपना जो भी हमारा दायरा है। So did it make any sense? Yes. Next time we'll discuss Vedic view of society. वो संगठन सूक्त पढ़ेंगे। ये वसुधैव कुटुंबकम वाला पूरा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली है, और फिर छोटी इकाई उसको ला सकते, छोटी से बड़ी में, छोटी उल्टा है ये, जब तक छोटी नहीं है तब तक बड़ी में नहीं जा सकते, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी में नहीं है, क्योंकि एकदम आप इतनी ग्लोबल एस्पिरेशन लेकर कुछ नहीं कर सकते। जैन धर्म में इसे अणुव्रत कहा है, कि अगर आपको जैन उसमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अब अगर कहते रहो कि माँ हिंसी अहिंसा का पालन करो, हिंसा मत करो, संभव नहीं। एक शिकारी को लाया गया महावीर के पास कि इसको अहिंसा का उपदेश दीजिए, उन्होंने दिया उपदेश, लेकिन उसका तो पेशा क्या है, शिकार करना, वो जब भी जाता उसको तो हिंसा ही करनी है,
तो वो कहता है मैं नहीं पालन कर सकता, ये मेरा काम ही रुक जाएगा। तब उन्होंने महावीर ने कहा कि तुम सारे पक्षियों को पशुओं को मारने की बात भूल जाओ, अब थोड़े दिन ये व्रत ले लो कि मैं एक कौए को नहीं मारूंगा। उसने कहा चलो ये तो ठीक है, मतलब एक कौए को ही तो नहीं मारना। हो गया एक हफ्ता, 10 दिन 15 दिन उसने ये, जब भी कौआ सामने आता तो नहीं हिंसा करनी। 15 दिन के बाद फिर एक और पक्षी जोड़ा, फिर एक और। धीरे धीरे उसके मन में आया कि मैं इनको तो नहीं मार रहा, तो इनको क्यों मार रहा हूँ। तो इसको वो कहते हैं अणुव्रत, कि महाव्रत लेना मुश्किल है, तो ग्लोबल से आप शुरू नहीं कर सकते, आप अपने से शुरू करके ग्लोबल तक पहुंच सकते हैं। पहले अपने यूनिट से शुरू कीजिए, फिर उसको दूसरे तक, दूसरे से तीसरे, तब आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर से नीचे आना, ऊपर तक जाना ही मुश्किल है पहले, वो तो एक वो हो जाएगा ना, यूटोपियन आइडिया। जी मैम, और ये जो द्वितीय सूत्र है ना अनुव्रत पितुः पुत्रो, और जितने भी सूत्र हमने पढ़े हैं, इसमें जो फैमिली वाली बात आ रही है, इसमें जो स्त्री वाला बात है वो माता है या पत्नी है, बहन शब्द भी प्रयोग में आया है, लेकिन जो पुत्री वाला शब्द कहीं प्रयोग में नहीं आया। तो पुत्र का अर्थ क्या दोनों संतान से है या तो पहले भी मैंने पुत्र, अपत्य, प्रजा, संतान, ये सब एक ही उसमें यूज हुए। जैसे ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि भ्राता और स्वसा अलग अलग आए हैं, भाई और बहन अलग अलग आए हैं, तो उस तरह पुत्र और पुत्री भी आ सकता था, लेकिन आया नहीं। उसका कोई विशेष कारण? कोई कारण नहीं है, क्योंकि वेद ना तो इतिहास है ना पुराण है, वो तो मतलब फिलोसॉफिकल आइडियाज है, आप जो सोच रही है उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा जितना मैंने वैदिक वांग में देखा है, उसमें उस तरह की बात है ही नहीं, कहीं भेदभाव वाली बात नहीं, भेदभाव वाली इसी नहीं, मैं नहीं, संहिताओं में तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये जो ये वाली परंपरा जो है, पिता पौत्र पिता महा, इसमें भी संतान नहीं, संतान के अलावा इसमें अब दादी नानी का भी नाम नहीं है। तो क्योंकि वेद के बारे में कहा जाता है परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, प्रत्यक्ष द्विषः। देखो जब 10वीं क्लास को हम पढ़ाते हैं, 8वीं को पढ़ाते हैं, तो एक एक शब्द खोल खोल के पढ़ाते हैं, फिर जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं, अब ये तो सब आपको आ गया, तो हम केवल और कम बोलते हैं। आर्मी में जब भर्ती होता है, कोई रिक्रूट किया जाता है, उसको बहुत डंडे मार मार के एक एक बात सिखाई जाती है, लेकिन आर्मी का जनरल क्या बोलता है जब वो कमांड देता है, एक ही शब्द बोलता है, वो लेक्चर नहीं देता हमारी तरह, मार्च या गो, फायर, एक शब्द और सारा कुछ क्लियर होता है। तो ये वही बात है कि वेद में नरेशन इन डिटेल नहीं होता, वेद में सजेशन होता है, इसका यही मतलब है। परोक्ष प्रिया वही देवा, जो विद्वान हो, या देवा का अर्थ है विद्वान, विद्वान डायरेक्टली बहुत कुछ नहीं कहते हैं, परोक्ष प्रिय होते हैं, दे से थिंग्स इनडायरेक्टली। प्रत्यक्ष द्विषः, दे डोंट लाइक टू नरेट इन डिटेल। तो जो साधारण व्यक्ति है वो तो खोल खोल के एक एक बात बोलेगा, लेकिन जो विद्वान है वो उसको इनडायरेक्टली। इसलिए वेद में हर चीज का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। कुछ इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक बार नीता मैडम ने जो एक संस्कारों में पढ़ाया था, कुछ मंत्र का मुझे वो याद नहीं है, कि ये जो है ना, क्या कह रहे थे, प्लीज, ये जो पुत्र शब्द है, आत्मा पुत्र शब्द है जो है, दोनों का प्रयोग जो है संतान के लिए किया गया है, और इसलिए जो आगे, अगर थोड़ी सी आगे आ जाए इतिहास, उसमें फेमिनिज्म के लिए कुछ नहीं है ऐसा कि ये पुत्र और जो जो बातें होती है, पितृ सत्ता और मातृ सत्ता को लेके, वो बातें उसमें वेद में बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और वही बात हो गई ना कि ग्लोबल से लोकल तक पहुंचना मुश्किल है, तो अभी हम जो है वर्तमान से अतीत में नहीं जा सकते, वर्तमान में खड़े रहकर ग्राउंडेड होकर अतीत से कुछ जो हमारे लिए अब सार्थक है वो ले सकते हैं,
वही मैंने कहा कि जितना मैंने देखा है वैदिक संगीताओं को, क्योंकि वेद के भी बहुत से भाग हैं, संगीता में कुछ और है, ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ और है, आरण्यक में शताब्दियों सहस्राब्दियों का अंतर है इनमें, तो बदलता जा रहा है। ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्री का स्वरूप कुछ और है, वहाँ भेदभाव नजर आने लगा है, लेकिन संगीताओं में नहीं, तो संगीताओं में नहीं, नहीं, नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों में आने लगा है। ये बीच की बात शायद विश्व में जो व्यक्ति है वो बीच की बात की गई है, ये रहा ना आत्मा, ये बीच की बात, ये खुद है वो, मैं अपने को बुलाता हूँ, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने पौत्र को, अपने पितामह को, अपनी स्त्री के लिए देखो तीन शब्द मिलते हैं वहाँ पे, जाया, जनी और पत्नी। इनमें से जाया और जनी ये तो दोनों वही हैं जो संतान को उत्पन्न करती हैं, और पत्नी वो है जो यज्ञ में साथ बैठने की अधिकारी है। पाणिनि का सूत्र है पत्युर्नो यज्ञ संयो, पत्नी शब्द कैसे बना, पाणिनि कहते हैं पति से बना है, पति से न प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में, यज्ञ संयोगे, पत्नी शब्द इससे बना है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जो यज्ञ में साथ बैठने की अधिकारिणी है वो पत्नी है। मैम अगर इसको अगर ऐसे कहा जाए तो ठीक है, आत्मा जो है मेरा स्वरूप, मैं खुद और वो बीज है, बीज जो मेरा स्वरूप है, और पिता पुत्र पितामह ये सारे वंश है, और पत्नी जो है वो शक्ति, शक्ति स्वरूप है, वहां पर शक्ति जैसा बीज, और जब शक्ति का मिलन होता है वही बात है, एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो, लेकिन ये बहुत, ये शाक्त तंत्रों के आने के बाद की बात है, ये तो मंत्र युग के बाद जब तंत्र शुरू हुआ, शाक्त तंत्र, उसकी बात, वहाँ शक्ति शब्द का उस अर्थ में कोई प्रयोग नहीं, वहाँ तो बिल्कुल उत्पत्ति, बीज से उत्पत्ति, तो वो तो जाया और जनी में है ही, जाया वो है जो जन्म देती है, जनी वो है जो उत्पन्न करती है, जन धातु है दोनों में, वो कहते हैं पुराण क्या होते हैं, मतलब जैसे तो वेद हो गए, हाँ पुराण तो बहुत बाद में आए, देखिए पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग, ठीक है, वेदांग में छह वेदांग, फिर जब उसके बाद आइए तो हमारे वाल्मीकि रामायण, फिर उसके बाद महाभारत, और फिर इतिहास पुराण इनको कहते हैं, रामायण और महाभारत इतिहास है और पुराण कहते हैं, जब वेद लुप्त हो गए, महाभारत के बाद वेद तो लुप्त हो गए, सारा वैदिक धर्म, वैदिक संस्कार, तब फिर पुराण के द्वारा पुनः उस धर्म को जीवित करने के लिए कुछ लोगों जैसे प्रवाच, आजकल कथावाचक हैं, वो कहानी सुनाते हैं ना, उसमें अपनी बातें भी जोड़ देते हैं, एक इतनी सी बात ली वहां से और उसको बहुत विस्तार, अभी सुंदर कांड हुआ था उस दिन, वो एक दोहा लेते हैं और उस पर फिर अपनी कहानी सुनाने बैठ जाते हैं, तो पुराणों में इस तरह कहानियां बहुत जोड़ती हैं, इसलिए वो केवल मूल नहीं है, उसमें मतलब प्रक्षेप बहुत हो गए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो तथ्य को निकालना, उसको छानना, कि उसमें थोथा थोथा जो है उसे उड़ा दें और सार सार को गही रहे, वो कहते हैं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, तो अब ऐसा विवेक सबके पास नहीं होता कि उसमें मूल पॉइंट क्या है, हम तो कहानी में बह जाते हैं, मूल तो पीछे रह जाता, जबकि उसमें मूल बहुत थोड़ा है और उसे समझाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए कहानियां जुड़ेगी, तो अब हम उन कहानियों को पकड़ के बैठ गए, लेकिन उस कहानी का उद्देश्य क्या था, उसकी शिक्षा क्या थी, वो सब खत्म हो गया, इसलिए फिर से अब हमें वापस मूल की ओर जाना, सिर्फ अपनी उसके लिए नॉलेज के लिए, जो वेद को बोलते हैं कि कर्म कांड और ज्ञान कांड दो भागों में विभाजित किया गया, कर्म कांड का जितने भी सूत्र है, जिससे भी यज्ञ किया जाता है, क्या वो महिला को वर्जित है या करते है? नहीं नहीं, गृहस्थ में तो सब, पत्नी का मैंने अभी शब्द ही बताया, तो वो पत्नी जो वो तो पुरुष के साथ है ना, हाँ गृहस्थ पुरुष, वो स्त्री की बात ही नहीं है, दंपति जब बने, दो युगल बने,
वेद जो है मूलतः सृष्टि विद्या है, सृष्टि दो के बिना हो नहीं सकती, इसलिए वो दोनों आधे आधे हिस्से हैं। तो गृहस्थ में स्त्री को उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। गृहस्थ का मीनिंग मैम यहाँ पे कि विवाह करना, विवाह, बिल्कुल विवाह। पिछली बार जब हमने विवाह की चर्चा, विवाह एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण विवाह है, 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ आश्रम। तो इसका अर्थ है कि अविवाहित महिला जो है वो कर्म कांड नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, अविवाहित भी वेद में बहुत सी ऋषिकाएं हैं। सूर्या तो वो है जिसने विवाह सूक्त के दर्शन किए, लेकिन और हैं, अपाला है, घोषा है, जिन्होंने गार्गी है, हमारे मैत्रेयी तो पत्नी है याज्ञवल्क्य की, और गार्गी है जिसने विवाह नहीं किया। दो तरह की स्त्रियों का उपनिषदों में वर्णन आता है, एक सद्यो वधु कि जो जैसे ही बड़ी हुई वधु बन गई, विवाह हो गया, दूसरी ब्रह्मवादिनी। तो जो ब्रह्मवादिनी है उनको विवाह करने की जरूरत नहीं है, तो वो कर सकती, कर सकती है, लेकिन फिर वो गृह सूत्रों के अनुसार नहीं करेगी। जो डोमेस्टिक रिचुअल तो वही करेगी जो गृहस्थ में, क्योंकि वो है घर के सुख शांति के लिए, फिर वो करेगी जो वानप्रस्थों के लिए विहित है। तो अलग अलग तरह के यज्ञ है ना, जो इनमें ये पंच महायज्ञ है ये तो गृहस्थों के लिए है। किसी भी चीज के, जैन धर्म के दो संप्रदाय है आपका, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर में न स्त्री मोक्षमेति, उसको मोक्ष का अधिकार नहीं है। अब मैंने किसी दिन किसी जैन मुनि जी से ही पूछा, तो ऑब्वियस है कि जब दिगंबरत्व है वो स्त्रियों के लिए तो समाज में स्पृहणीय नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको कह दिया कि वो मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन वैदिक धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि वो ये नहीं करेगी, ये कहीं भी नहीं, कहीं वर्जना नहीं है। मतलब देयर इज नो प्रोहिबिशन फॉर विमेन इन एनी ऑफ द रिलीजियस और धर्मों में है, लेकिन यहाँ नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं वो इतने इगेलिटेरियन है कि उसमें कहीं भेदभाव जैसी बात नहीं है। लेकिन मैम फिर वो गृहस्थ में अगर विवाह नहीं करती है तो उसको सारे वानप्रस्थी वाले यज्ञ करने हैं, तो फिर नहीं, वानप्रस्थी को बहुत ज्यादा यज्ञ करने ही नहीं, नहीं करने। ये सारे विधान गृहस्थ के लिए ही, वानप्रस्थी को तो जगह जगह उसके लिए यज्ञ कर्तव्य नहीं है, वो तो ज्ञान की खोज में जा रहा है। वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य? वो आप संस्कार विधि पढ़िए वानप्रस्थ के लिए, उसको तो गृहस्थों को उपदेश देना। मेरा प्रश्न ये था कि आखिर वो घर पे रह सकती है या नहीं रह सकती? नहीं, घर पे नहीं रहे, वानप्रस्थ में गृहस्थ का त्याग ही है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। और कोई भी, जैसे आप अभी देख रहे हो ना जिस फ्रेमवर्क में, एक्सक्लूसिव मॉडल में, वैसा वहाँ है ही नहीं। मतलब आज तो हमारा सब ये क्लियर है ना, डिमार्केटेड है, वहाँ ऐसे कोई मार्किंग्स नहीं, वो मॉडल इंक्लूसिव मॉडल है, एक्सक्लूसिव मॉडल है कि बस यहाँ तक, अब यहाँ से ये, ऐसा कुछ नहीं, वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है और उसको प्रधानता के आधार पर देखा जाना चाहिए। मतलब नॉर्म ये होनी चाहिए, अपवाद तो हर जगह होते हैं और हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एग्जाम्स की डेट क्या होंगी? एग्जाम की डेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, मार्च का लास्ट वीक, क्योंकि हमने कब शुरू किया था, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से, तो मार्च का लास्ट। क्योंकि मैं तो इसमें, आप क्या सजेस्ट करते हो, रिटर्न देना चाहोगे कि प्रेजेंटेशन करना चाहोगे? प्रेजेंटेशन तो फिर उसमें तो टाइम लगेगा ना, हमें कम से कम 2 वीक चाहिए, तो मार्च का लास्ट वीक और अप्रैल का फर्स्ट, ठीक है। तो मेरा भी प्रेजेंटेशन होगा, रामनाथ जी का भी प्रेजेंटेशन होगा शायद, रामनाथ जी और वो जी का, और मैडम का तो रिटर्न होगा, और पुनीता पता नहीं प्रेजेंटेशन कैसे, मतलब प्रेजेंटेशन अगले, अब एक बार हम लोग टॉपिक्स असाइन कर लेंगे एक दूसरे, लोग अपना अपना टॉपिक चुन लीजिए, उस पर जो पढ़ाया गया है इसके मुताबिक, मतलब उसमें, क्योंकि ये वेद है उसमें अपनी कहानी तो लिख नहीं सकते, जो भी टॉपिक चुनोगे उसको इन्हीं कोटेशंस के आधार पर तैयार करके फिर यहाँ बोलेंगे, 5-10 मिनट बोलेंगे और अपना असाइनमेंट लिख के मुझे दे देंगे, तो मार्किंग दोनों के आधार पर होगी, आपके ओरल पर भी और रिटर्न पर भी। रिटर्न एग्जाम नहीं होगा सारे टॉपिक्स में? मैडम आप क्या चाहते हैं? मैं तो दोनों चाहती हूँ।
जैसा आप लोग कमी देखिए, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप जिसमें करें, क्योंकि ये कोई फॉर्मल वो नहीं है, प्रेजेंटेशन कर लेते हैं वही ज्यादा, बिकॉज फिर एक एरिया एक टॉपिक सब टॉपिक जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो। एक्चुअली क्या मैडम, आप रिटन टेस्ट तो थोड़ा सा टफ लग रही पक्की बात है, इसलिए हम तो प्रेजेंटेशन नहीं नहीं तो ठीक है, मैं वही जो आप कंफर्टेबल है प्रेजेंटेशन इज माय ठीक नाटक का तो मैडम रिटर्न ही लेंगी, लैंग्वेज लिटरेचर।